हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सर्कल्स। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक ऑफ सर्कल्स कवर करेंगे, ताकि जिन लोगों ने अगर क्लास 9 में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उनका एक बार रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, सर्कल्स पहले आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, उसके बाद हम लोग आपके सिलेबस पे जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग बेसिक ऑफ सर्कल्स ही करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आपको क्लास 9th में एज अ थ्योरम पढ़ने थे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए, अगर सेम क्लास है जो आप लोग देख रहे हो जूम पर करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा करके रजिस्टर कर लें, और नहीं तो अगर आप मोबाइल पे देखना पसंद करते हैं तो हमारा ऐप के एडू कैंपस डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, जूम पे डायरेक्ट देख सकते हैं। और ये जो क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये जो नोट्स होता है वो आपको अपलोड कर दिया जाता है हमारी वेबसाइट पे भी और ऐप पर भी, आप कहीं से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो उसका PDF। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। देखिए, आपका सिलेबस जो है इसमें मेनली आपका क्या है, तो टांजेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो टांजेंट और टू अ सर्कल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपको जानना है कि क्या होता है। उसके बाद दो थियोरम्स के प्रूफ आपको पढ़ने हैं। द टांजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये पहला हो गया। दूसरा, द लेंथ ऑफ टांजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये दो थियोरम होंगे, और थियोरम्स का प्रूफ भी पढ़ना है और साथ में उसके एप्लीकेशन भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ सर्कल्स। ठीक है, आज हमारा बेसिक ऑफ सर्कल से कवर होगा। अब देखिए, सर्कल क्या होता है, तो आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो गए दैट अगर मान लो ये आपकी सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर से कोई भी पॉइंट अगर वो इक्वी डिस्टेंट है और उसकी लोकस आप फाइंड करते हो, सो आप डिफाइन कर सकते हो इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स्ड पॉइंट जो है यहाँ पर हमारी ओ है, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस। ठीक है, चलिए तो ये आपका मान लो कि एक पॉइंट कंसीडर करो ऑन दिस पाथ, तो ये आपकी रेडियस हो जाती है। सपोज रेडियस आर है, तो हम लोग जैसे ट्रायंगल को आप नेम करते हो ट्रायंगल ए बी सी, तो सर्कल को भी उसी फॉर्म में हम लोग नेम कर सकते हैं। इसका नाम अगर लिखना हो तो कैपिटल सी लिखते हैं, उसके बाद सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर इस केस में हमारा ओ है तो ओ हम लोग लिख लेंगे, और रेडियस की वैल्यू तो आर आपकी, तो ये आपका सर्कल को डिफाइन करता है कि वो इट इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, चलिए तो डिफाइन कैसे करोगे, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलिए कॉर्ड की बात करें, व्हाट इज अ कॉर्ड, तो देखो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, मतलब और सिंपली आप बोल सकते हो कि दो पॉइंट अगर आप ज्वाइन करते हो सर्कल के, किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो, यू विल गेट अ कॉर्ड। ठीक है, तो इट इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो आपका ए बी, जैसे अगर मान लो यहाँ पर हमारी ए और बी, ए बी कॉर्ड है, तो इसके एंड पॉइंट्स जो होंगे ए और बी, इट इज लाइंग ऑन द सर्कल, आप देख रहे हो, तो ये आपका हो गया कॉर्ड। ओके, चलिए कॉर्ड को डिफाइन करना है। इट इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। नेक्स्ट वन इज डायमीटर, तो देखो ऑलरेडी हमने कॉर्ड देख लिया कि क्या है, अगर आपकी कॉर्ड जो है पासेस थ्रू द सेंटर देन इट इज कॉल्ड अ डायमीटर, और एनी लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल और उसकी एंड पॉइंट जो है आर ऑन द सर्कल, तो मान लो यहाँ ए बी जो है इसकी एंड पॉइंट आप देख रहे हो ऑन द सर्कल है, और आप बोल सकते हो ए बी इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ओ, तो आपका डायमीटर जो होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, जो भी पॉसिबल हो एक पार्टिकुलर सर्कल के लिए, तो वो उसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ओके, तो यहाँ ए बी आपकी डायमीटर है। अब यहाँ पर देखो, ओ ए की वैल्यू आर है, ओ बी की वैल्यू आर है, रेडियस के बराबर होगी ओ ए और ओ बी, मतलब कि आप सिंपली बोल सकते हो टू टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, अगर डी हमारा डायमीटर है
टू टाइम्स रेडियस इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। और अगर मान लो डायमीटर गिवन है और आपको रेडियस फाइंड करनी है तो डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हो, आर इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अ डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी सेकेंड, तो सेकेंड क्या होता है, सो इट इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है सर्कल को। जैसे यहाँ पर अगर लाइन एल है और ये ए और बी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को, तो एल आपकी लाइन एल जो है दैट इज कॉल्ड अ सेकेंड। मतलब सेकेंड के केस में आप बोल सकते हो कि उसके एंड पॉइंट जो है दैट इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कल, वो सिर्फ इंटरसेक्ट करता है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। ए बी, अगर हम सेगमेंट ए की बात, ए बी की बात करें, तो यहाँ पर हमारी सेगमेंट ए बी है दैट इज अ कॉर्ड ऑफ ऑफ दिस सर्कल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टिकुलर सेकेंड एल, ठीक है। ए बी आपका कॉर्ड है बट लाइन एल जो है दैट इज सेकेंड, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहा है जबकि ए बी के एंड पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उस लाइन के ऊपर, उस सर्कल के ऊपर, सॉरी, ठीक है। तो आप डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो नेक्स्ट आपका होता है टॉपिक टांजेंट। अब देखो टांजेंट क्या होता है, टांजेंट को हम एज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड कंसिडर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो अगर हम सेकेंड को जो है थोड़ा सा मूव करें, देखो देखो ये मूव होता जा रहा है, देखो मूव हुआ और धीरे 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 जिस जो इसके दो पॉइंट्स जिस पर वो कट कर रहा था सर्कल को, वो देखो साथ में मिलकर के एक पॉइंट बन गया। जब दोनों पॉइंट कॉइंसाइड हो जाते हैं, ठीक है, ए और बी जब दोनों पॉइंट कॉइंसाइड हो गए, उस पार्टिकुलर केस में आपका ये सेकेंड जो है दैट विल बिकम अ टांजेंट। मतलब टांजेंट सिंपली आप बोल सकते हो इट इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल, ठीक है। टांजेंट इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल और इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग टांजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो ये हमारी टांजेंट है, ठीक है, तो अब क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, ये मान लो पॉइंट पी है और दिस इज योर टांजेंट ए बी। पी को हम लोग बोलते हैं जिस पॉइंट पे वो टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो आपके जो सारे सिलेबस हैं सारे टांजेंट से रिलेटेड ही हैं, हम लोग डिस्कस इसको डिटेल में करेंगे अगले लेक्चर में, कल हम लोग करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो जो रेडियस होता है, ठीक है, अगर मैं उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करूँ पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर को ज्वाइन कर दो आप, ओपी को जब ज्वाइन करते हो तो ये आपकी रेडियस हो गई, तो रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी परपेंडिकुलर टू द टांजेंट, ठीक है, एपी से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये भी हमें एज अ थियोरम पढ़ना है, हम लोग डिस्कस करेंगे, इवन इसका प्रूफ भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ओपी और एबी जो है पैरेलल होंगे, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो टांजेंट को आप डिफाइन कर सकते हो, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट एंड द पॉइंट एट विच टांजेंट मीट्स द सर्कल उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब नोट में देखो क्या जो मैंने बताया कि स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड है जब आपके दोनों एंड पॉइंट जो है कॉइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। मान लो कि आपका अगर फिगर दिया हुआ है सब तो आपको देखने में इतनी आसानी से बता सकते हो आप, जैसे मान लो इसकी रेडियस आर है तो तीनों सर्कल हम लोग सेम रेडियस का कंसिडर कर रहे हैं, ये आपका आर है और ये भी आर है, ठीक है। लेट्स से द रेडियस इज आर और सेंटर जो है सभी के ओ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर डायग्राम आपको दिया हुआ है और पी दिखाया हुआ है, मान लो पी कोई पॉइंट है सपोज यहाँ पर, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि पी इज लाइंग इन द एक्सटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल बोल सकते हो। यहाँ पर अगर पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से डी है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो अगर डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन कोई ऐसा तो आपका मतलब ऐसा इजी क्वेश्चन सेट नहीं करेगा कि फिगर दे के पूछेगा वो एक्सटीरियर में लाई कर रहा है कि इंटीरियर में लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा केस हम लोग कर सकते हैं कि अगर पॉइंट पी जो है, ठीक है, यहाँ पर लाई करे और ये आपकी डिस्टेंस डी है, दिस इज पॉइंट पी। थर्ड केस आपका जो है हम लोग एक पॉइंट लेंगे इनसाइड द सर्कल, ठीक है,
ये आपकी पी है और डिस्टेंस इसके डी ही हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो तीन केस हमारी बनती है, केस वन, केस टू और केस थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तीन केस हम लोग डिस्कस करेंगे, केस थर्ड। अब यहां पर देखो, अगर मान लो पॉइंट पी की डिस्टेंस सेंटर ओ से डी है, सच दैट डी जो है आर से ग्रेटर है, डी इज मोर देन आर, उस केस में पी हमेशा आउटसाइड द सर्कल लाई करेगी। इवन आपको जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हो, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दे देगा, पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट दे देगा, और आपको पूछेगा कि आपका ये सर्कल के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा, तो रेडियस आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ओपी कैलकुलेट करोगे, मतलब डी आपको मिल गया। अब डी को कंपेयर कर लो आर से, अगर डी इज ग्रेटर देन आर है तब तो वो आउटसाइड लाई करेगा, डी इज लेस देन आर है तो वो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, और डी इक्वल टू आर है तो वो सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये तीन केस है, तो आप बोल सकते हो इफ डी इज ग्रेटर देन आर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देन पी लाइज आउटसाइड द सर्कल और इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, पी लाइज आउटसाइड द सर्कल सेकेंड केस, अगर डी जो है हमारी आर के बराबर है, इफ डी इज इक्वल टू आर, तो उस केस में हमारा जो पी पॉइंट है दैट विल लाई ऑन द सर्कल, पी लाइज ऑन द सर्कल। थर्ड केस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, अगर डी जो है आपकी लेस देन आर है, तो उस केस में आपकी डिस्टेंस अगर लेस देन रेडियस है तो पी विल लाई इनसाइड द सर्कल, ठीक है। देन पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल और इनसाइड द सर्कल, पी लाइज इनसाइड द सर्कल, ओके। चलो ये तो ठीक हो गई। अब इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि आउटसाइड रीजन में लाए कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट को कंबाइन टुगेदर करोगे तो वो फॉर्म करता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर इनसाइड रीजन वाले सारे पॉइंट्स को करते हो आप कंबाइन टुगेदर, तो आप उसको मिलता है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। मतलब आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर। मतलब जो भी सारे पॉइंट्स इधर इधर दिखा रहे हैं, जो भी इनसाइड में है, तो ये सारे मिल करके आपको इंटीरियर बना देता है, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल हो गया। सर्कल की बात करें तो जो भी इस सर्कमफेरेंस और बाउंड्री के ऊपर लाई करेंगे वो सारे सर्कल पार्ट को सर्कल का पार्ट है, ठीक है। सो द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज द सर्कल। एक्सटीरियर मतलब कि ना ही वो इंटीरियर का पार्ट है और ना ही द सर्कल का पार्ट है, तो वो ये सारे पॉइंट्स का जो सेट हो गया, सो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ओके। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो अब हम लोग का सर्कुलर रीजन आता है, तो अगर इंटीरियर एंड द सर्कमफेरेंस और इंटीरियर रीजन और जो सर्कल पार्ट है, ये दोनों को एक साथ कंबाइन टुगेदर करोगे, कंबाइन करोगे, देन यू विल गेट अ सर्कुलर डिस्क, और उसी को हम सर्कुलर रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीजें मिली हुई है, पहला तो सर्कल, दूसरा इंटीरियर रीजन। इन दोनों को कंबाइन करके हमारा बनता है सर्कुलर रीजन, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो एक सर्कल जो है पूरे प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है, और वो तीन पार्ट है, पहला तो इंटीरियर, दूसरा सर्कल और तीसरा एक्सटीरियर, और इसमें इंटीरियर और सर्कल मिला करके आपको सर्कुलर रीजन मिल जाती है, ठीक है। तो आप डिफाइन कैसे करोगे, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर आइदर ऑन द सर्कल और लाई इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क, ओके। चलो अगला देखो टॉपिक जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, दो सर्कल्स और मोर देन टू सर्कल्स ऑल्सो, बट एक सर्कल नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, ठीक है, मोर देन वन सर्कल। सो आप टू और मोर सर्कल्स है विद द सेम सेंटर, मतलब सेंटर उसकी सेम होनी चाहिए, कॉमन सेंटर होनी चाहिए, रेडियाई रेडियाई जो है इनकी अलग अलग होगी। मान लो ये कैपिटल आर है, सॉरी स्मॉल आर है, और ये कैपिटल आर हो गई, ठीक है।
तो ये दोनों सर्कल जो है हमारी, मान लो सेंटर ओ है, तो यहाँ पर हमारा जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हो जाएगा, तो सी ओ स्मॉल आर एंड सी सेंटर तो सेम है, तो यहाँ भी ओ रहेगा बट कैपिटल आर हो जाएगी। तो ये दोनों सर्कल जो है हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्योंकि उनकी सेंटर जो है सेम है। ठीक है, आप डिफाइन कर सकते हो सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आर्क के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आर्क क्या होती है? तो जैसे मान लो कि दो पॉइंट आप लेते हो ए पी, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ तो ये हमारा आर्क ए बी कहलाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया तब तो ठीक है, आर्क ए बी आपको पता है कि ये किस टाइप का आर्क है, मतलब कि वो सेमी सर्कल से बड़ा है या सेमी सर्कल से छोटा है, माइनर आर्क है या मेजर आर्क है, तो इसे हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। देखो जैसे हम लोग सेगमेंट को क्या करते हैं, अगर सेगमेंट लिखते हैं तो सेगमेंट के ऊपर एक स्ट्रेट बार डाल देते हैं, तो वो डिनोट करता है कि ये सेगमेंट का नोटेशन है या ए बी एक सेगमेंट है। अब अगर हमारी ए बी एक आर्क है तो आप क्या करोगे, ए बी लिख करके उसके ऊपर एक कर्व ऐसे बना दोगे, इसका मतलब होता है कि वो आर्क ए बी है। अब मैं सिर्फ चलो फिगर नहीं देता हूँ, या फिगर में सिर्फ मैंने दिया बट ए और बी को मैंने सिर्फ पॉइंट पॉइंट मैंने इंडिकेट कर दिया। अब मैंने लिख दिया आर्क ए बी, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा वेदर मैं इस वाले ए बी की बात कर रहा हूँ और मैं ये बड़े वाले ए बी की अगर बात कर लूँ, या मैं इस ए बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूजन तो होगी ही कि मैं किस ए बी की बात कर रहा हूँ, वेदर ये माइनर वाली आर्क है या मेजर आर्क है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे आप लोग एंगल में यूज करते हो थ्री लेटर का नेम, तो यहाँ भी आप थ्री लेटर नेम यूज कर सकते हो। ए पी भी अगर ले दिया तो आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये हमारा माइनर आर्क के बारे में ही बात कर रहे हैं। और दूसरा अगर मैं ए क्यू बी बोल दूँ तो ये हो जाएगा कि मैं मेजर आर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आपका माइनर आर्क तो मेजर आर्क हो गया। और दूसरा क्या कंसीडर कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो वर्ड यूजिंग माइनर आर्क ए बी, और दूसरा आप लिख सकते हो मेजर आर्क ए बी। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा काम आप थ्री लेटर में अगर नाम उसका लिख देते हो तो भी बेहतर है। ठीक है, मेजर आर्क ए बी हो गया, और नहीं तो लिख दो ए पी बी आपका जो है माइनर आर्क है, तो ए पी बी करके ऐसे कर दो। और ए क्यू बी अगर आप फिगर देखोगे तो वो हमारी मेजर आर्क है। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, आर्क इज सिंपली अ पोर्शन और द उसका पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, वो उसका एक पार्ट है, रेडियस सेम ही होगा सर्कल के बराबर बट दैट इज ओनली अ सेकंड पार्ट। ठीक है, डिफाइन कैसे करोगे, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल और पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। अब डिग्री मेजर क्या होती है, चलो तो डिग्री मेजर की जब बात करते हैं हम, तो जैसे ये एक आर्क है, मैंने इस आर्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी एक आर्क है, सब मान लो आर्क ए बी हमारी है, दिस इज आर्क ए बी, और वो आपकी सेंटर है, तो एंड पॉइंट ऑफ द आर्क ए और बी हो गए। आप सेंटर से ए को ज्वाइन कर लो और सेंटर से बी को ज्वाइन कर लो, तो ये दोनों देखो बाउंडिंग रेडियाई हो गए, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये बाउंडिंग रेडियाई के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री मेजर ऑफ द आर्क। मान लो ये थीटा है, तो यहाँ पर डिग्री मेजर ऑफ द आर्क, डिग्री मेजर को हम लोग डिनोट करते हैं एम, उसके बाद आर्क का नाम लिख दो, मेजर ऑफ आर्क ए बी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा है, अगर मान लो वो 60 डिग्री हो तो आप 60 डिग्री लिख सकते हो, 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री लिखोगे। ठीक है, तो यही आपका होता है। अब देखो अगर मान लो हमने माइनर आर्क ए बी की बात की तो हमारा आ गया थीटा, मेजर आर्क ए बी अब उसी ए बी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एंड पॉइंट तो कॉमन है, अब दोनों मिल करके हमारा कंप्लीट सर्कल बनाएगा कि नहीं, ठीक है, कंप्लीट सर्कल बना रहा है, तो एक थीटा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, दूसरे की आपकी डिग्री मेजर अगर मैं यहाँ पर ए क्यू बी लिख देता हूँ तो आपको बेटर होगा। ठीक है, अब मेजर ऑफ आर्क ए क्यू बी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये डिग्री मेजर कितनी हो जाएगी इसकी, 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके,
चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉन्ग्रुएंट आर्क। अब कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होते हैं? तो टू आर्क्स को हम लोग दो आर्क को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे जब वो पहला तो सेम सर्कल का पार्ट हो, या अगर दो सर्कल का पार्ट है तो उनकी रेडियाई सेम होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कि उनकी डिग्री मेजर जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक ही सर्कल को कंसीडर करता हूँ दो सर्कल के बजाय, चलो मैंने इसी सर्कल के दो आर्क, डिफरेंट आर्क को मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो एक आर्क तो वो हो गया हमारा, दूसरा आर्क मान लो ये है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं टू द स्केल तो कर नहीं रहा हूँ। मान लो ये दो हमारे आर्क हैं, फर्स्ट आर्क इज योर दिस वन, दूसरा आर्क हमारा है ये वाला आर्क। ठीक है, अब ये दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होंगे हमारे? जब इनका डिग्री मेजर जो है, क्योंकि रेडियस तो अब सेम पार्ट का आर्क जो है सेम सर्कल का पार्ट है, तो दोनों की रेडियाई तो सेम होगी। अगर इसकी रेडियाई आर है तो ये भी रेडियाई आर हो जाएगी। अब बात करते हैं थीटा। मान लो कि पहले वाले की ए बी आर्क की डिग्री मेजर है थीटा वन, दूसरे आर्क की डिग्री मेजर है हमारी थीटा टू। ये मान लो आर्क सी डी है, तो आर्क ए बी और सी डी तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब आपका थीटा वन और थीटा टू जो है इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आर्क ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी इफ डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू डिग्री मेजर ऑफ आर्क सी डी, और सिंपली लिख सकते हो इफ थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब डिग्री मेजर वही हुआ कि सेंटर पे कितना एंगल वो सबटेंड कर रहा है। ठीक है, चलो कॉन्ग्रुएंट आर्क जो डिफाइन कर सकते हो, टू आर्क ऑफ द सर्कल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम डिग्री मेजर। ठीक है, सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। तो सेमी सर्कल आपका क्या होता है कि मान लो आपकी जो सर्कल है उसे कट करके दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दिया, अलोंग द डायमीटर आपने कट कर दिया इसे, तो आपका ये देखो दो पार्ट बन जाएगा। मान लो हम लोगों ने एक ही पार्ट को ड्रॉ किया, और इस लाइन को मैं बस दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ। ये अगर मान लो एक वायर है, सर्कुलर वायर है, उसे कट करोगे तो ये डायमीटर तो आपको दिखेगा नहीं है सेमी सर्कुलर वायर में। ठीक है, सर्कुलर वायर को कट कर दिए तो बीच में डायमीटर दिखेगा नहीं, बट अगर वो डिस्क होता है, एक डिस्क है मान लो, उसे बीच से कट करते हो। ठीक है, या प्लेन ऑफ पेपर है मान लो, उस सर्कुलर पेपर है उसको बीच से काट दो, तो दो सेमी सर्कुलर पेपर मिलेंगे आपको। और उस केस में यहाँ पर जो है ये वाला भी आपको डायमीटर कंसिडर करना पड़ेगा। कब कंसिडर करना पड़ेगा? जब उसकी आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हो या सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर आपका वायर है सिंपली और ये डायमीटर नहीं आपको दिख रहा है, तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आपका सिंपली हो जाएगा सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू। ठीक है, पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, तो इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी पाई आर, फेरेंस इक्वल टू पाई आर। अब जब हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे और ये डायमीटर हमें कंसिडर करना है ये वाला, ठीक है, मान लो एक डिस्क को हमने दो सेमी सर्कुलर पार्ट में कट कर लिया, तो उस केस में अगर पेरीमीटर हम कैलकुलेट करते हैं तो डायमीटर भी उसकी बाउंड्री हो जाती है, तो इन दैट केस हमें ऐड करनी पड़ेगी डायमीटर। तो आप बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ दैट सेमी सर्कल, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर, तो आपकी ये है कर्व पोर्शन जो है उसके लिए आर्क के लिए, प्लस डी, और डी को आप 2 आर भी लिख सकते हो, तो पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, बाकी कॉमन लेना होगा तो लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके चलो, तो सेमी सर्कल इट इज डायमीटर डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल आर्क, और ईच आर्क इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं डिग्री मेजर की बात करूँ, एक सब सेमी सर्कल के डिग्री मेजर की बात करूँ, तो देखो कितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये वाला आर्क तो सिंपली दिख रहा है आपको कि ए बी जो है हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। आप एज अ नोट भी लिख सकते हो।
डिग्री मेजर मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आपका देखो, सेमी सर्कल तो हमने कर लिया, माइनर एंड मेजर आर्क। अच्छा देखो, हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री मेजर भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं माइनर और मेजर आर्क। अगर मान लो कि ये हमारा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का हमने देख लिया कि डिग्री मेजर जो होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, 180 डिग्री आपकी सेमी सर्कल की डिग्री मेजर हो गई। तो उस केस में अगर हम बात करें तो एक माइनर आर्क का डिग्री मेजर क्या उससे कम होगा? देखो कुछ ऐसा ही होगा ना, माइनर आर्क तो सेमी सर्कल से उसकी लेंथ कम होती है, तो डिग्री मेजर भी अगर आपका 180 से कम है। ठीक है, मान लो इसे मैं थीटा सिंपली दिखा देता हूँ, दिस इज थीटा, ओके, और इसे आर्क पी क्यू का नाम दे देता हूँ मैं इन जनरल। अभी मुझे नहीं पता कि ये माइनर आर्क है कि मेजर आर्क है या हमारा सेमी सर्कल है, तो आप सिंपली बोल सकते हो इफ डिग्री मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, ठीक है, इज लेस देन 180 डिग्री, जब 180 से कम होगा, देन पी क्यू इज अ माइनर आर्क। ओके, माइनर आर्क हो गया। सिमिलरली हम लोग बात कर लेते हैं, जब वो 180 होगा तब तो हमें पता है कि वो एक सेमी सर्कल हो जाएगी। सो अगर मान लो पी क्यू आर्क की डिग्री मेजर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, देन आर्क पी क्यू इज अ सेमी सर्कल, आर्क पी क्यू इज अ सेमी सर्कल। थर्ड केस आपका हो जाएगा, अगर हमारी डिग्री मेजर ऑफ आर्क पी क्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 180, जब ए वन 180 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ मेजर आर्क। ठीक है, देन हमारी पी क्यू आर्क जो है दैट इज अ मेजर आर्क, पी क्यू इज अ मेजर आर्क। अच्छा, सिर्फ डिग्री मेजर से ही नहीं, हम लोग अगर क्लासिफाई करना चाहें इन दोनों के बीच में तो हम लोग लेंथ ऑफ द आर्क से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देखो, ये अगर हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है, ए बी जो है हमारी सेमी सर्कल है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब इस सेमी सर्कल के जितनी लेंथ है उससे कम लेंथ का अगर आर्क हो, अगर मैं बात कर लूं पी क्यू आर्क की, जो फिगर में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये देखो पी क्यू की लेंथ जो है हमारा ए बी आर्क से कम है, तो ये हमारा कहलाएगा माइनर आर्क। अगर सपोज पी क्यू आर्क की लेंथ जो है ए बी आर्क से ज्यादा है, ए बी हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है, उससे ज्यादा है, तो वो हमारा कहलाएगा मेजर आर्क। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ भी बोल सकते हो, नहीं तो डिग्री मेजर से भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो, तो माइनर एंड मेजर आर्क आप बोल सकते हो, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज लेस देन लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल इट इज माइनर आर्क, अदरवाइज अगर ज्यादा हो तो वो आपका मेजर आर्क हो गया। ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? तो आप देखो, कॉर्ड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मान लो ए बी जो है हमारी एक कॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ए बी हमारी एक कॉर्ड है, तो ये आपका सेगमेंट जो होता है, ठीक है, सेगमेंट सेक्टर ये सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपको एरिया वाले चैप्टर में भी पढ़ने हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना होगा, तो ये सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पर सेगमेंट क्या होता है, ये हमारा इट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, अगर मैं इस आर्क की बात करूं, माइनर आर्क मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो इट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। अब यहाँ देखोगे तो ये माइनर आर्क है, तो आप बोलोगे कि इधर तो अगर एक कॉर्ड है तो इस साइड भी तो ये कुछ सर्टेन एरिया को देखो बाउंड किए हुए है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो हो गया ये मेरा कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, जो आपका कॉर्ड जो है जो फॉर्म कर रहा है रीजन विथ रेस्पेक्ट टू मेजर आर्क उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और जो माइनर आर्क के साथ फॉर्म कर रहा है रीजन उसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो ये हमारी हो गई मेजर सेगमेंट, और दूसरा आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा दैट इज माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो डिफाइन कैसे करोगे, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन,
बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड, मतलब उस रीजन का पार्ट होगा आर्क और कॉर्ड भी उसी रीजन का पार्ट होगा, सो दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एंड जो हमने डिस्कस किया, अगर वो आर्क जो है आपकी माइनर आर्क है देन इट विल बी कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट, अदरवाइज अगर मेजर आर्क है तो मेजर सेगमेंट कहलाएगी। अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है, देखो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दिस आर अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ इच अदर, ठीक है, ये दोनों साथ में कहलाते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जब एरिया वाला प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तो सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो हम लोग एक आर्क को कंसिडर करते हैं, सपोज दिस योर आर्क इज दिस ए बी आर्क, इस आर्क को आप कंसिडर करो, ठीक है, तो ये आपकी आर्क ए बी है, तो ए और बी उस आर्क के एंड पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। तो सेंटर से जब आप ज्वाइन करोगे उस एंड पॉइंट्स को ए और बी को, तो ये दोनों बाउंडिंग रेडियाई होगा, तो बीच का जो रीजन आपका हो जाएगा, ठीक है, ये बीच जो मैं शेडेड कर रहा हूँ दैट विल बी कॉल्ड एज, ये शेडेड पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसे अगर मैं हाईलाइट कर दूं, शेड कर दूं, तो ये आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल हो गया। अब अगर हमारी बात हो कि ये आर्क जो है ये तो माइनर आर्क है, तो ये माइनर सेक्टर हो जाएगा, अगर आर्क हमारी मेजर सेक्टर है उसके जस्ट उल्टा वाला देखो आप, तो वो हमारा कहलाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है, तो ये हमारी माइनर सेक्टर हो गई, माइनर सेक्टर, और ये आपकी हो जाएगी मेजर सेक्टर। मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इन दोनों को अगर सेम आर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बोल रहे हैं, तो ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल और पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपका मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा सेक्टर डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, ठीक है, और वो जो चारों वर्टिसेस जो लाई करेंगे सर्कल पर उनको हम लोग बोलेंगे कंसाइक्लिक पॉइंट्स, कंसाइक्लिक पॉइंट्स, और ये क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ हमारा ए बी सी डी जो है दैट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं दीज आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब आपका एंगल वन, मतलब मैं अगर लिखूं एंगल ए प्लस एंगल सी डायरेक्ट में लिख सकता हूँ, सो एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, सिमिलरली बी और डी भी मिलकर के आपको 180 डिग्री हो जाएंगे। वैसे भी आप बोल सकते हो कि चारों का सम 360 होता है, तो अगर दो हमारा 180 है तो बाकी दो भी 180 होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और हमारा ए बी सी डी जो है वो उसको बोलते हैं कंसाइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करोगे, अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल आर सेड टू बी कंसाइक्लिक, ठीक है। चलो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात कर लेते हैं, तो दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब हम बोलेंगे, ठीक है सर, हम तो जानते हैं कि जब वो एग्जैक्टली ओवरलैप करता है एक दूसरे के ऊपर, देखो तो हम लोग बोलते हैं कि ये सारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। अब कब ओवरलैप करेगा, जब उनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है, एरिया एग्जैक्टली इक्वल होगा दोनों सर्कल का, और एरिया कब इक्वल होता है, जब उनके रेडियस जो होते हैं और रेडियाई बोल सकते हो वो इक्वल हो, ठीक है, अब रेडियाई इक्वल है तभी आपका दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कि अगर मैं इन दोनों को नाम दे दूं, मान लो इसकी सेंटर ओ है, दूसरे की सेंटर ओ डैश है, एक की रेडियाई मान लो आर वन है, रेडियस आर वन है, दूसरे की रेडियस आर टू है, ठीक है, तो हमारा मैं बोल सकता हूँ कि सर्कल सी ओ आपकी सेंटर और रेडियाई आर वन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल ओ डैश, क्योंकि दूसरे की सेंटर है और रेडियस जो है आर टू है, तो ये दोनों तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू, ये दोनों रेडियस अगर बराबर है, सेंटर कहीं भी है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। चलो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स को डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर
अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। ये रिजल्ट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एज अ थ्योरम आप क्लास 9 में पढ़े हो, बट ये सब आपको याद होनी चाहिए। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये हम लोग एक बार समझ लेंगे ताकि आपको सर्कल पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है? चलो तो देखो पहला क्या बोल रहा है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कि अगर दो कॉर्ड्स जो हैं उनके लेंथ अगर इक्वल हो, ठीक है, मान लो ये दोनों आपके कॉर्ड्स हैं, इनके लेंथ इक्वल अगर है, ठीक है, तो इन ये जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर वो भी आपके इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। मतलब मान लो ये आपकी सेंटर है तो सेंटर पॉइंट पे ये इतना एंगल सबटेंड कर रहा है और ये इधर कर रहा है, ठीक है? तो इसका बोलने का मतलब हुआ आपका, जैसे मान लो ए बी है और ये थीटा, मान लो थीटा वन मान लो, ठीक है, थीटा वन, और इसकी एंगल थीटा टू है और ये आपकी सी डी है, ठीक है? इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। चलो हम लोग पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, सॉरी मैंने सी बी लिख दिया है या सी डी लिख लो आप, तो ए बी और सी डी जो है अगर ये दोनों इक्वल है देन थीटा वन विल बी इक्वल टू थीटा टू, मतलब जो सेंटर पे वो एंगल सबटेंड करेंगे दैट विल आल्सो बी इक्वल, ठीक है? इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर, ठीक है, तो उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। तो मतलब दूसरा मैं अगर बोल दूं इफ थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू देन कॉर्ड ए बी विल बी इक्वल इन लेंथ टू कॉर्ड सी डी, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है? वो सेकेंड वाला देखो, ये वाली थ्योरम है आपकी, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। चलो नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, देखो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल, और सॉरी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, ठीक है, अगर एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आप तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है, दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है? ये सारे आपको याद होने चाहिए ताकि आप इजीली अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। मतलब यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा है कि अगर ओ आपकी सेंटर है और ओ डी परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया ए बी कॉर्ड पे, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ए डी मस्ट बी इक्वल टू बी डी, ठीक है? सो आप बोल सकते हो इफ ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन डी बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और सिंपली यू कैन से दैट ए डी और बी डी जो होंगे इक्वल लेंथ के होंगे, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यही बोलना चाह रहा है आपका। देखो नेक्स्ट फोर्थ जो है ये जस्ट उसका कन्वर्स है। क्या बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड टू बाइसेक्ट द कॉर्ड देन द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर देन दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब इसका मतलब क्या, कन्वर्स जो है वो बोल रहा है अगर आप ओ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो सच दैट दैट पार्टिकुलर लाइन बाइसेक्ट्स ए बी, मतलब डी अगर आपका मिड पॉइंट हो तो आपका ये भी ट्रू होगा कि ओ डी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, जस्ट उसका कन्वर्स है। चलो ये चार हो गए। पांचवा रिजल्ट आपका क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब अगर आप तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को कंसिडर करते हो, जैसे ये तीन ले लो, ठीक है, तो हमेशा आपको सिर्फ एक ही सर्कल वैसे मिलेंगे जो कि इन तीनों पॉइंट से पास करेंगे, वो सर्कल यूनिक होगा। ऐसा मतलब नहीं कि ये तीन पॉइंट्स हैं तो इसमें कितने भी सर्कल आ जाएंगे, ठीक है, एक यूनिक सर्कल ही पास करेगा, क्योंकि जानते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करते हो तो वो सेंटर से ही पास होता है। अब सेंटर से पास हो रहा है मतलब कि ये रेडियाई देखो इक्वल हो जाएंगे ये, ठीक है, ओके। तो दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर दूसरा पॉइंट होगा तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है दो पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट पर कैसे मीट करेंगे, हम जानते हैं कि दो लाइन ओनली इंटरसेक्ट इट एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर दो कॉर्ड्स को कंसीडर कर रहे हो आप, दो इक्वल लेंथ के कॉर्ड को, तो ये जो है कितने सेम डिस्टेंस पे होंगे फ्रॉम द सेंटर। अगर ये आपकी सेंटर है तो ये डिस्टेंस आपका हो गया। जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी पॉइंट की एक लाइन से तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करते हैं,
ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। हमेशा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अगर ए बी और सी डी दो इक्वल क्वार्ड्स हैं तो आपको ओ एम और ओ एन जो है ए दिस टू विल बी इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मैं लिख देता हूँ, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर है किसके, ए बी से, एंड ओ एन भी परपेंडिकुलर है हमारा सी डी से, देन ओ एम शुड बी इक्वल टू ओ एन, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, और तभी हम बोलेंगे कि दीज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो कॉर्ड होंगे इक्वी डिस्टेंट। नेक्स्ट आपका उसी का जस्ट कन्वर्स है, क्या बोल रहा है कि अगर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब कि जस्ट कन्वर्स लेना आपको, अगर ओ एम एंड ओ एन आर इक्वल देन ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं बराबर लेंथ के होंगे। तो ये सारे आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, समझ में तो बिल्कुल ही आ जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। तो अगला ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब अगर मान लो एक आर्क है और वो सेंटर पर सर्टेन एंगल सबटेंड कर रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब उस आर्क को छोड़ करके, ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया, ठीक है, अगर एक माइनर आर्क को कंसिडर करें तो मेजर आर्क के साइड दूसरा पॉइंट आपका होना चाहिए, ठीक है, मेजर आर्क पर। तो आपका ये बोल रहा है कि अगर ये आपकी 2x2 थीटा है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक है, एंगल एट द सेंटर, वो आपकी सेंटर है, और आर्क ए बी अगर आपका सबटेंड कर रहा है एट ओ 2 थीटा, तो आपका पॉइंट डी पर जो कि लाई कर रहा है आपका ऑन द सर्कल, इट विल सबटेंड एन एंगल थीटा ऑन दिस, ठीक है, उसका हाफ। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि अगर मान लो एक सेगमेंट कंसिडर करते हो तो ये एंगल और सेम आर्क के थ्रू दूसरा ये वाली एंगल, ये हमेशा इक्वल होंगी, ये दोनों के मेजर जो है मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है। ए बी मान लो आपका आर्क है तो ये हमेशा आपका इक्वल ही होगा, सेम साइड आपका होना चाहिए सेम सेगमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है, ये भी आपको याद ही होगा ये सारे थियोरम्स। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल मतलब क्या बोलता है कि ये आप कहीं भी ले लो सेमी सर्कल का, अगर सेमी सर्कल पे एक पॉइंट ले लो और डायमीटर के एंड से अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा। आप दूसरा पॉइंट भी लेकर के ट्राई करना, जैसे यहाँ पर ले लो तो भी वो 90 डिग्री होगा, कहीं भी लोगे आप अगर सेमी सर्कल पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, दैट एंगल विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट थियोरम क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट देन द फोर पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। ये मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इक्वल एंगल दो, ठीक है, दो पॉइंट्स है मान लो, ठीक है, इफ अ लाइन सेगमेंट, चलो एक लाइन सेगमेंट है और ये क्या करता है इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है ऐसे कुछ एक, और दूसरा कुछ ऐसे कर रहा है, तो ये चारों पॉइंट जो होंगे ये हमेशा कंसाइक्लिक होंगे। कंसाइक्लिक मतलब कि अगर ए बी सेगमेंट आपका पॉइंट एम पे और पॉइंट एन पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, तो ए बी एन एम विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब आप देखोगे, चलो यहाँ पर आए चाहे नहीं क्योंकि मैं तो एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप ज्योमेट्रिकली सही से इक्वल एंगल लेकर के करते हो, टू द स्केल बनाते हो, तब ये जो है चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक होंगे, मतलब चारों वर्टिसेस जो है दैट विल लाई ऑन द सर्कल, कुछ ऐसा आएगा आपको, ठीक है। एग्जैक्ट आपका, चलो मैं देखो ये चार पॉइंट्स जो है थोड़ा सा और छोटा कर दूं, कुछ ऐसा आएगा देखो, क्योंकि हमने टू द स्केल नहीं बनाया इसलिए आपको थोड़ा फील नहीं आएगा, बट ये चारों पॉइंट्स हमेशा आपका उस सर्कल पे ही लाई करेंगे अगर ये थीटा दोनों इक्वल है तो, अगर इक्वल नहीं है तो नहीं होगा,
ये जस्ट कन्वर्स ऑफ आपका दूसरा वाला जो है, नाइन जो है तो आपका थियोरम उसका है। चलो नेक्स्ट थियोरम क्या बोलता है, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ आपको, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने डिस्कस किया कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जब चारों वर्टिसेस एक क्वाड्रिलेटरल के सर्कल पे लाई करते हैं तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी ए बी सी डी जो है इसके चारों वर्टिसेस के तो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एंगल ए प्लस एंगल सी जो है 180 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी जो है ये भी हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही आपका था थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ये जस्ट इसका कन्वर्स है, थ्योरम 12 का कन्वर्स है। मतलब कि अगर आपके सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और आपका मेन सिलेबस जो है कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 8:30 में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, आप हमारे साथ जुड़ जाना, और रेगुलर रहोगे तो काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो अगर सेम क्लास आप जूम पर करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर कर लो, नहीं तो ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट देख सकते हो जूम पर। ठीक है, जब लाइव चलेगी वहां पर लाइव पता चल जाता है, और लिंक भी आपको ईमेल पर आ जाती है, आप डायरेक्ट जूम ऐप पर भी लॉग इन कर सकते हो। ओके, और देखो ये जो क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, या ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जैसे ही हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हम लोग अपलोड कर दिया करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, और कल फिर हम लोग मिलते हैं। ओके देन, ओके बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये सर्कल्स का हमारा सेकेंड लेक्चर है। अगर फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे या ऐप पे देख रहे हो तो कोर्स पेज में जाकर के आपको रिकॉर्ड लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने सर्कल के बेसिक डिस्कस किए थे, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले, देखो आपका सिलेबस जो है ये आपका सिलेबस है क्या, टांजेंट ही आपको पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, टांजेंट के बारे में दो थ्योरम आपके हैं, दो थ्योरम का प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है, दोनों में लिखा हुआ है कि प्रूफ द थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम के प्रूफ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है मोहित, आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर, पहला लेक्चर आपने देखा था मोहित, यस सर, कोई डाउट है उसमें? सर उसका देखे हैं सर, यूट्यूब वाला जो आप भेज उसका उसमें है ना सर? उसमें कोई डाउट है आपको? नहीं सर, अभी डाउट नहीं है सर। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो टांजेंट्स ही आपका सिलेबस है, तो टांजेंट्स में अगर हम लोग बात करें तो टांजेंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि एक लाइन अगर सिंगल पॉइंट पे आपको टच करती है या इंटरसेक्ट करती है सर्कल को तो उसे टांजेंट बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर टांजेंट का अलग अलग केस होगा, मान लो अगर पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ टांजेंट टू अ सर्कल की बात कर रहे हैं, अगर पॉइंट आपका जो है लोकेटेड है ऑन द सर्कल, जैसे कि ये वाली केस है, सपोज पी पॉइंट यहाँ पर है, तो आपको सिर्फ वहां पर एक ही टांजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो उस पॉइंट पे। अगर आपका जो, जैसे मैं दूसरा सर्कल ले लेता हूँ, सपोज पॉइंट आपके जो है सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, अगर यहाँ पर आपकी पॉइंट है तो क्या आप कोई भी टांजेंट ड्रॉ कर पाओगे? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर नो टांजेंट पॉसिबल। ठीक है, अगर इंटीरियर में, सर्कल के इंटीरियर में, क्योंकि जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और वो सेकेंट बन जाएगी आपकी, तो ये टांजेंट नहीं कहलाएगा आपका। तो टांजेंट पॉसिबल नहीं है जब आपका पॉइंट पी जो है दैट विल लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नो टांजेंट पॉसिबल। पहले केस में जब पी आपका लाई कर रहा है ऑन द सर्कल तो वन सिंगल टांजेंट इज पॉसिबल। एक और केस बनती है अगर जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट आपका एक्सटर्नल है सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, जैसे इस वाले केस में ले लो, और हमारी एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर आपकी पॉइंट पी है, दिस इज योर पॉइंट पी, और यहाँ से अगर हम लोग टांजेंट ड्रॉ करते हैं तो देखो कितने टांजेंट हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। एक तो ये आपकी देखो टांजेंट हो गई, इधर टच ही कर रहा है जस्ट, दूसरा हम टांजेंट यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं देखो। ठीक है,
तो इस केस में जब पॉइंट पी है वो दैट इज लाइंग इन द एक्सटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल, तो दो टांजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक पी ए आपका एक टांजेंट हो गया, दूसरा पी बी हो गया, तो यही तीन केस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो अगर समराइज करें तो ये देखो आपका हो जाएगा, देयर इज नो टांजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, अगर आपकी ऑन द सर्कल लाई कर रही देन देयर इज वन एंड ओनली वन टांजेंट, और थर्ड केस देयर आर एग्जैक्टली टू टांजेंट थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ टांजेंट क्या होती है, तो लेंथ देखो मान लो अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो तभी लेंथ पॉसिबल होगा, जैसे ये ऐसा टांजेंट आपने ड्रॉ किया, ठीक है, ये पॉइंट पी से किया, और ये वाली पॉइंट जो है मान लो कि ये पॉइंट क्यू है, क्यू को हम लोग को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्यू को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। अभी इसकी लेंथ अगर मान लो आपको पूछी जाती है लेंथ ऑफ टांजेंट पी क्यू क्या है, तो ये आपको देखने में तो रे लग रहा है लेकिन आपको क्या करनी है, लेंथ जो है सिर्फ क्यू तक की ही कंसिडर करनी है, फ्रॉम पॉइंट पी अप टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो जितनी लेंथ होगी मान लो ये वाली डिस्टेंस, ये अगर मान लो कि 5 यूनिट है तो आपको बोलना पड़ेगा कि इसकी लेंथ जो आप टांजेंट है 5 यूनिट है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, जो भी इसकी यूनिट हो, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टांजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द टांजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अप टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक ही कंसिडर करेंगे। अब हम लोग थियोरम डिस्कस कर लेते हैं, जो दो थियोरम आपका मेंशन है। पहला थियोरम बोलता है कि जो टांजेंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली रेडियस जो है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, तो जैसे ये आप एक सर्कल है आपकी, हम लोग सबसे पहले एक टांजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज योर टांजेंट, ठीक है, ये आपकी टांजेंट है इस सर्कल के लिए, इसका कुछ नाम दे दो, मान लो कि लाइन ए बी है, ए बी आपकी लाइन है और टांजेंट टू द सर्कल, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सपोज मान लो पॉइंट पी है, पॉइंट पी इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सेंटर हमारी ये ओ है, ठीक है, रेडियस हम लोग आर ले सकते हैं, तो यहाँ क्या प्रूव करना है हमें कि ओपी जो है, ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमें प्रूव करनी है, ठीक है, द टांजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, अभी से कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, चलो पहले तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे, जो भी हमारा गिवन, मान लो इसकी रेडियस आर है, लेट्स से दिस इज योर रेडियस आर, तो गिवन क्या है हमारा, एक सर्कल गिवन है और टांजेंट गिवन है, ठीक है, और सर्कल सी ओ इसकी सेंटर है और रेडियस आर है, तो ऐसे ही हम नेम करते हैं सर्कल को, सी ओ आर जिसकी सेंटर ओ है और रेडियस आर है, एंड टांजेंट ए बी, टांजेंट ए बी ये आपको दी हुई है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, विथ पी एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पी एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, चलो ये तो गिवन है, उसके बाद हमें प्रूव क्या करनी है कि जो रेडियस है मतलब ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो वो हम लोग लिख लेंगे, टू प्रूव ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा सा करते हैं, चलो वो हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, एक पॉइंट लेना है, एनी वन पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, तो लाइन ए बी पर होना चाहिए, मान लो कि ये हमने पॉइंट लिया, इसको नाम दे दो क्यू या कुछ भी जो नाम देना है आपको, सपोज क्यू एक पॉइंट हमने लिया ऑन ए बी, अदर देन इसके इधर ही ले सकते हैं। कहीं भी ले सकते हो दोनों डायरेक्शन में, बट लाइन पर होना चाहिए बस, ठीक है, ए बी टांजेंट पे होनी चाहिए, कहीं भी आप लेफ्ट राइट जहां भी लेनी है आप ले लो, उसके बाद आपको क्या करनी है, सेंटर से ज्वाइन कर दो उसे, ठीक है, सेंटर से ज्वाइन कर दो, और ये जो पॉइंट क्यू होगी ये पी को छोड़कर होगी, कोई भी पॉइंट ले लो बस पी को छोड़कर, तो आपको अच्छे से दिखे इसलिए थोड़ा सा ज्यादा दूर ही लेना पी से, ज्यादा पी से नजदीक लोगे तो फिर देखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे ऐसे ले लोगे तो
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा बेटर है कि क्लियर रखो फिगर, थोड़ा दूर ले लो आप ताकि आपको क्लियरली दिखे। और मान लो ये इंटरसेक्ट करता है, मान लो किसी पॉइंट पर, लेट से पी क्यू आर, आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है सपोज, आर, अच्छा आर रेडियस हो जाता है, आर छोड़ देता हूँ, एस ले लो आप, एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को, ठीक है। चलो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या हमने किया, सो टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी अदर देन पी, अदर देन पी, उसके बाद ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट एस, इंटरसेक्टिंग द सर्कल, सर्कल एट एस। चलो इतना ही कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद थोड़ा ये प्रूफ जो है थोड़ा सा थियोरिटिकल टाइप हो जाता है, बट समझ में आ जाएगा तो लिखना मुश्किल नहीं है। देखो अब यहां पर अगर आप ध्यान देते हो, ठीक है, तो ओ क्यू अगर आप फिगर में देखते हो, क्योंकि क्यू पॉइंट जो है आउटसाइड रीजन में लाई कर रहा है, तो ओ क्यू जो है हमेशा ओ एस से तो बड़ा होगा, ओ एस आपकी, क्योंकि एस इज लाइंग ऑन द सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एस आपकी सर्कल पे लाई कर रही है और क्यू जो है उसी लाइन का पार्ट है, बट दैट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ एस, ठीक है, क्यों, सिंस क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ एस, और ओ पी क्या इक्वल लेंथ का होगा, ओ एस एंड ओ पी क्या इक्वल लेंथ के होंगे, दोनों रेडियस के बराबर होगा, तो आप यहां लिख सकते हैं ओ एस इक्वल टू ओ पी बराबर रेडियस, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट है मोहित आपको, नो सर। चलो अब ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी और क्यू हमारा कोई भी पॉइंट है अदर देन पी, इट मीन्स ये या तो क्यू यहां पर हो तो भी ये ट्रू है आपके लिए, क्यू यहाँ हो तब भी ट्रू है, कहीं भी क्यू हो अगर पी छोड़कर है तो ये हमेशा उसके लिए एप्लीकेबल होगा, हमेशा ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ओ पी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, एज क्यू इज एनी पॉइंट, पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पी, अदर देन पी, सो ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल फ्रॉम सेंटर ओ टू लाइन ए बी, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल, पॉसिबल फ्रॉम ओ टू ए बी। ओके, अब हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब की होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कभी भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आपको करना हो तो आप क्या लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो आप लिखोगे एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस देयरफॉर। ओके, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम, ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, यही प्रूव करना था, ठीक है मोहित, समझ में आ गई आपको, थोड़ा सा यस सर। हाँ थियोरिटिकल टाइप है बट आप एक बार समझ लोगे कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगी कैसे लिखना है, ठीक है। सिंपली आपको यस। बोल देना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पॉसिबल, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो ये पहला प्रूफ था, यस
दूसरा, अच्छा इसी से हाँ इसी से रिलेटेड आप देखो कुछ रिमार्क है। जैसे पहला पॉइंट आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल मैक्सिमम आप एक ही टांजेंट ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा, हमारा लाइन कंटेनिंग द रेडियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो आपकी ओपी है दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट पी विच इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दूसरा थियोरम ये है हमारा, क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ टांजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टांजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो टांजेंट पॉसिबल है, ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग में। तो मान लो कि ये दो टांजेंट हमारे हैं और दोनों की लेंथ जो है इक्वल होगी, वो हमें प्रूव करना है। अब लेंथ का मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि लेंथ का मतलब क्या होता है, अप टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही लेने हैं आपको, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ए और बी मान लो हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है कि पी ए और पी बी के लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ सेंटर ले लो ओ, मान लो इसकी रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर है। तो एक काम करना है हमें, ये ज्वाइन कर लेना है सेंटर से लेकर के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक, सेम इधर भी वही काम करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक हमें ज्वाइन कर लेनी है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसे भी ज्वाइन कर दो, पी से लेकर के पॉइंट ओ मतलब सेंटर तक ज्वाइन कर दो। डॉटेड लाइन में आप दिखा सकते हो, ये सारा हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ठीक है, अब रेडियस हमने एज्यूम किया कि आर है इस सर्कल का, लेट्स से इट इज आर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम लोग, तो गिवन में हमारा हो जाएगा कि एक सर्कल दिया हुआ है सी ओ आर, अ सर्कल सी ओ आर एंड पी ए एंड पी बी आर टांजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर टांजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी। फ्रॉम पॉइंट पी, ओके। सेकेंड आपका टू प्रूव लिखते हैं, सेकेंड स्टेप हमारा टू प्रूव। प्रूव में क्या लिखेंगे कि आपकी जो टांजेंट की लेंथ है वो इक्वल होगी, सो पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी, यही आपको हम प्रूव करने हैं, पी ए इक्वल टू पी बी। कंस्ट्रक्शन में यहाँ हमने सिर्फ ज्वाइन किया, वो स्पेसिफाई कर देंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ज्वाइन ओपी, पहला तो ज्वाइन ओपी ओ ए एंड ओ बी, ये तीन हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन ओ ए, दूसरा आपका ओ बी एंड तीसरा ओ पी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा प्रूफ हो गया। अब प्रूफ में देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों लेंथ जो है इक्वल है, ठीक है। जब भी आपकी लेंथ की बात आती है तो आपको अगर देख रहे हो कि दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सोचना है, नहीं तो आप सिमिलैरिटी भी सोच सकते हो, बट यहाँ पर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पे जाएंगे क्योंकि लेंथ इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो हम लोग इक्वल प्रूव करना है, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी भी आपको यूज करना है, ऑल्दो क्लास 9th में आपकी थी सिलेबस में कॉन्ग्रुएंसी, बट कॉन्ग्रुएंसी को छोड़ना नहीं है आपको। तो यहाँ हम लोग दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम लोग प्रूव कर देते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, देन पी ए एंड पी बी आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वो दोनों आपके इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को कंसिडर कर लेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ ए, ठीक है, पी ओ ए लिख देता हूँ, पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, ये दोनों हमने कंसिडर किया। देखो पहला तो हमारा हो जाएगा ओ ए, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियाई, ठीक है, रेडियस के बराबर है हमारा, तो सेम सर्कल का रेडियाई या रेडियस है तो आपको इक्वल ही होगा। दूसरा हमारा क्या है, ये जो एंगल होंगे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जस्ट हमने थ्योरम वन में प्रूव किया कि जो रेडियस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विथ टांजेंट, ठीक है। तो
आप बोल सकते हो एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टांजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू द टांजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो ये हो गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक दो कंडीशन हो गया, थर्ड हमारी ओपी जो है कॉमन साइड है, देखो दोनों ट्रायंगल की ओपी इक्वल टू ओपी आप बोल सकते हो कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब एक बार हमने ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ पी, ठीक है, पी ओ ए और पी ओ बी ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके अब यहां पर अगर आप देखोगे पी ओ ए एंड पी ओ बी अगर आपका कॉन्ग्रुएंट है, अच्छा ये किस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा, तो अगर जब भी हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल है तो आपको सोचनी है आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में। आर एच एस क्या होता है, अगर दोनों ट्रायंगल आपके राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाँ दोनों में एक एक एंगल राइट एंगल है, मतलब राइट ट्रायंगल तो हो गया हमारा। हाइपोटेन्यूज देखनी है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल लेंथ के हैं कि नहीं, तो ओपी आपका हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड ही हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ओपी इक्वल टू ओपी हमने ऑलरेडी लिखा कि कॉमन है, तो फिर हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गए, और कोई एक साइड या एक लेग आप बोल सकते हो दैट शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ओ ए और ओ बी हमारा इक्वल है, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप यहाँ पर लिख दो सिंपली आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब एक बार जब दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाय सीपीसीटी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सो वी कैन से दैट पी ए इक्वल टू पी बी बाय सीपीसीटी, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यही प्रूव करना था आपको, पी ए इक्वल टू पी बी, तो ये आपका दूसरा थियोरम हो गया। ओके मोहित कोई डाउट है आपको? तो ये दोनों ओपी ओपी फुल कॉमन साइड ले लिए। हाँ ओपी ओपी तो हाँ कॉमन साइड हो गया ना, दोनों ट्रायंगल के लिए है वो कॉमन, ठीक है, ओ ए रेडियस हो गया, ओ बी रेडियस हो गया और एंगल 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट। चलो अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे, दो ही थ्योरम था आपका और दोनों थ्योरम हमने कर लिए, कुछ प्रॉब्लम्स अब कर लेंगे बस हो गया। देखो जैसे इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर जो भी है आपका मान लो कि ये आपकी पॉइंट सेंटर है, दिस इज ओ, ठीक है, वो आपकी सेंटर है और पी जो है कहीं एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, बट उसकी डिस्टेंस दी हुई है कितनी डिस्टेंस है, तो वो 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो ये आपका 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर बोल रहा है। और टांजेंट पी टी इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो आप एक टांजेंट इस पर ड्रॉ करोगे एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, तो ये आपकी पी टी हो गई, टी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और पीटी की लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ओपी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ क्या है? हम लोग जानते हैं ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम जो हमने पढ़ा कि टांजेंट जो है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो, अच्छा ये हमारी जो रेडियस है आर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और आपको रेडियस मिल जाएगी। सो आपका यहाँ पर क्या हो गया, इन ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी आपको दी हुई है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गई, हमें रेडियस फाइंड करनी ओ टी, तो ओ टी इक्वल टू मान लो आर, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेट से ओके देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेग्स इक्वल टू
स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब कि ओटी स्क्वायर, ठीक है, ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओटी हमारी रेडियस का स्क्वायर हो गई, पीटी स्क्वायर आपको पीटी देखो 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ओपी हमारी 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगी आर स्क्वायर बराबर 64, सबट्रैक्ट कर दोगे दोनों साइड से तो 100 माइनस 64 मतलब कि 36 हो गई। अब स्क्वायर रूट लोगे इसका दोनों साइड तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करनी है, निगेटिव क्योंकि आपका रेडियस जो है निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, रेडियस कैन नॉट बी निगेटिव, सो आर इक्वल टू 6। ओके, टेकिंग ऑन दी पॉजिटिव वैल्यू, टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो आप यहां पर लिख दो कंक्लूजन, लिख दो अपना क्या है, हेंस रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ओके, चलो तो यही हमारा आंसर हो गया। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है आपका, अ टांजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू पॉइंट ओ एट अ पॉइंट ऑफ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ पी क्यू। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेंगे। चलो क्या बोल रहा है, टांजेंट पी क्यू है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है, पी जो है सर्कल पे लाई कर रहा है आपका, ये टांजेंट हो गया। एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर पॉइंट ओ, तो आपकी ओ जो है सेंटर बोला गया है और इससे आप एक लाइन जब ड्रॉ कर रहे हो तो इसको मीट कर रहा है इस पॉइंट पे। चलो कुछ ऐसा ही लिख देता हूँ, ये आपकी, ठीक है, सो दिस इज पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू हो गया। ओ क्यू बताया हुआ है कि 13 सेंटीमीटर है हमारा, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या, रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर, तो रेडियस हमारी ये हो जाएगी, यहाँ से आप ज्वाइन करोगे, सॉरी, तो रेडियस परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा यहाँ, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करनी है हमें, पी क्यू डिस्टेंस मतलब कि लेंथ ऑफ द टांजेंट बेसिकली बोला गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंगल ओ पी क्यू विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हम जानते ही कि रेडियस जो है आपका, आप लिख दोगे कि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टांजेंट, तो वो लिख देना है आपको। दूसरा अगर बात करें ओपी, हमारी रेडियस दी हुई है, ओपी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डिस्टेंस ऑफ जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट जो है आपका क्यू, उसकी सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है 13 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है पी क्यू, तो अगेन हमारा वो आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, सो नाउ इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं आप, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पी क्यू देखो हमें फाइंड करना है, तो पी क्यू को तो पी क्यू ही लिख लेंगे, ओ पी हमारी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 का स्क्वायर कर लो इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, और ओ क्यू है हमारा 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू हो जाएगी 13 का स्क्वायर आपका हो जाता है 169, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं इसी स्टेप में, तो -25 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लो लेना है बस आपको, तो पी क्यू स्क्वायर जो हो जाएगी 144, तो
तो आपको स्क्वायर रूट लेना है, बट निगेटिव वैल्यू आपको कंसिडर नहीं करनी है, क्योंकि जो आपकी डिस्टेंस होती है कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना बस। तो पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 हो जाएगी, तो मतलब कि 12, ठीक है, 12 हो गया। ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हो ओनली पॉजिटिव वैल्यू हैज बिन कंसिडर्ड, ओनली पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू इज कंसिडर्ड। ओके, अब इसके बाद यही तो आपको फाइंड करनी थी, डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द पी क्यू। हेंस लेंथ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 12, यूनिट के साथ लिख देना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट है मोहित आपको? नो सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है यहाँ। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, मतलब दो आपके सर्कल हैं कंसेंट्रिक है, मतलब सेंटर सेम हो गया, और लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, और हमें प्रूव करना है कि दैट विल बी बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मतलब कि सिंपली अगर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखो तो एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल लार्जर सर्कल ले लो आप, कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, सेम सेंटर होने चाहिए, तो कुछ ऐसा आपका बनेगा फिगर। अब जो लार्जर सर्कल का है उसका कॉर्ड है बोल रहा है, तो लार्जर सर्कल का ये अगर कॉर्ड है और दूसरे के लिए इनर सर्कल के लिए वो हो गई टांजेंट, ठीक है, इनर सर्कल के लिए तो टांजेंट हो गई। अब ये बोल रहा है कि दैट कॉर्ड विल बी बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारी क्या हो जाएगी, मान लो अगर कॉर्ड आपकी ए बी है तो पी आपकी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई, ठीक है। सपोज सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट आप ले लो ओ, और सेंटर तो ये दोनों का होगा, ठीक है, तो आप इस रेडियस को ज्वाइन करोगे यहाँ, और हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होती है, वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट, ओके, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन तो हमारा हो ही गया, सब तो गिवन ही है आपका एक्चुअली, तो गिवन में आप लिख दो, गिवन सर्कल सी दिया हुआ है आपका, सर्कल सर्कल सी ओ, मान लो स्मॉल आर हो है इनर की, एंड सी ओ कैपिटल आर रेडियस हो गई, बी द टू सर्कल्स, तो यहाँ रेडियस हम लोग दिखा देंगे ऐसे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये मान लो स्मॉल आर हो गई आपकी एंड दिस वन इज कैपिटल आर बाहर वाले के लिए, ठीक है, बी द टू सर्कल्स, उसके बाद आपका ए बी इज द कॉर्ड, ए बी इज कॉर्ड फोर लार्जर सर्कल सर्कल एंड अ टांजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल, एंड टांजेंट फोर स्मॉलर सर्कल सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ विथ पी एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, आप लिख दो विथ पी एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, विथ पी एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पर क्या करनी है, तो प्रूव हमें क्या करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है वो कॉर्ड को, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो आपको बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि पी आपकी ए बी की मिड पॉइंट हो गई, और ए बी की मिड पॉइंट मतलब हम सिंपली अगर प्रूव कर दे कि पी ए और पी बी बराबर है तो हमारा काम हो गया, ठीक है, यही बेसिकली प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूफ पार्ट पर आते हैं, तो प्रूफ में हमें क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है कि वी नो दैट, ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो दिक्कत नहीं होगी, ये सारे थ्योरम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, जो कि आपका क्लास 9th में है जो थ्योरम पढ़ना था, ठीक है, तो वी नो दैट अलाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अच्छा पहले तो हम लोग ये लिख देते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, वी नो दैट अ रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
इज परपेंडिकुलर टू द टांजेंट, ठीक है, टांजेंट से परपेंडिकुलर होगा, टांजेंट, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, ठीक है, ये हमने जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ओपी जो है परपेंडिकुलर टू एबी है, ठीक है, तो अब दूसरा थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, एज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये थ्योरम है एक्चुअली, एज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, अब कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर एपी इज इक्वल टू बीपी, ठीक है, और पीए इक्वल टू पीबी, एपी इक्वल टू बीपी लिखो या पीए इक्वल टू पीबी लिखो, मत बराबर है, यही प्रूव करना था बस आपको। ओके, तो दो थियोरम यहाँ यूज होता है, पहला तो कि आपको पहला प्रूव करना है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर टू एपी होगा, दूसरा हमें प्रूव करना है कि एपी और पीबी जो है बराबर होंगे, ठीक है। चलो अगला देखो क्या बोल रहा है, इफ टू टांजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन प्रूव दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, दूसरे पार्ट में प्रूव करना है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं तो बेटर हमें समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है इसमें, टू टांजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और हम जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टांजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो टू ही होता है, तो एक हमने ऐसे कर लिया जो ड्रॉ, दूसरा इधर हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टांजेंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट सपोज पी है, तो मैंने एक टांजेंट पी ए इसे नाम दो और इसे नाम दे दो पी बी, ठीक है, और सपोज ओ इज द सेंटर, ये आपकी ओ जो है सेंटर हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है, तो आप रेडियस को ज्वाइन कर लो सेंटर, सॉरी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर लो, और इधर भी सेम काम करनी है, और हम जानते हैं कि ये जो रेडियस होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टांजेंट से परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों आपके 90 डिग्री हो गए। अब यहाँ पर देखो प्रूव क्या करना है, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, दे सबटेंड मतलब कि आपके जो टांजेंट जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो ओपी को ज्वाइन कर लो, अब दे सबटेंड इक्वल एंगल मतलब ये वाली एंगल जो है पीए सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, ठीक है, उसके एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करोगे, तो ये आपका जब पी से ज्वाइन करोगे ओ को और ए से ज्वाइन करोगे ओ के, तो यही एंगल फॉर्म हो रहा है, सो दिस एंगल मतलब एंगल ए ओ पी इज द एंगल सबटेंडेड बाय टांजेंट पी ए एट द सेंटर, सिमिलरली दूसरा एंगल हमारा हो जाएगा बी ओ पी दैट इज सबटेंडेड बाय पी बी एट द सेंटर, ठीक है, तो ये दोनों हमें इक्वल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये दिया हुआ नहीं है इसलिए इक्वल का मार्क हटा दो आप पहले, ये हमें प्रूव करना है। दूसरा पार्ट में क्या प्रूव करना है, अगर दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो दे आर इक्वली इनक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, तो सेंटर से इस पॉइंट में मतलब ये जो है इक्वली इंक्लाइंड होगा, ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं, ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या प्रूव करना है आपको, और गिवन तो है ही हमारा, चलो गिवन भी लिख देता हूँ, गिवन गिवन हमारा है सर्कल सी ओ आर, मान लो रेडियस आर है, तो ये दोनों आर हो गई, सेंटर सी है, सो सर्कल सी ओ आर, ठीक है, एंड टांजेंट्स जो है पी ए एंड पी बी, एंड टांजेंट्स पी ए एंड पी बी, पी पी, ठीक है, उसके बाद हम लोग टू प्रूफ में लिखेंगे, टू प्रूफ, पहला पार्ट हमें ये प्रूफ करना है कि वो दोनों जो है इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर, तो जैसा कि मैंने बताया एंगल ए ओ पी, ए ओ पी और बी ओ पी ये दोनों बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, बी ओ पी,
दूसरा हमें क्या प्रूव करना है कि इक्वली इंक्लाइंड होगा दोनों टांजेंट विथ ओपी। ओपी से इक्वली इंक्लाइंड मतलब कि एंगल एपीओ बराबर एंगल बीपीओ। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये दोनों अगर हमारा एक ये एंगल और ये एंगल हो गया और दूसरा ये एंगल और ये एंगल हो गया। ठीक है, दोनों दो अलग अलग डिफरेंट ट्रायंगल्स के पार्ट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। वो भी अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हमारा काम हो गया। ठीक है, बाकी तो आपका, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों, ये दूसरे एक दोनों ट्रायंगल के। सो अगर हमने प्रूव कर दिया कि एओपी और बीओपी जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, देन वी विल बी एबल टू प्रूव दिस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ क्या करना है, सिर्फ आप लिख दो ज्वाइन ओए ओबी एंड ओपी। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम लोग प्रूफ पार्ट में आएंगे। प्रूफ पार्ट, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है इन ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है, ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। पहला हम लोग लिख सकते हैं कि आपकी जो रेडियाई है, ठीक है, रेडियाई जो है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई के बराबर है। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, ओपी और ओपी देखो कॉमन है, ओपी इक्वल टू ओपी, कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ ए पी इक्वल टू, क्या प्रूफ कैसे हुआ मोहित, क्या बोल रहे हो आप, इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस टांजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टांजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यस मोहित, क्या पूछ रहे थे आप? सर प्रूफ वाला था जो यहाँ से किया ना, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। तो वही तो प्रूफ कर रहे हैं ना, ये ये तीन रीजन तो बोल लिखा ना, वो तीनों रीजन। सर जो ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया वो रेडियस ऑफ सर्कल हुआ। हाँ, उसके बाद ओपी आपका कॉमन साइड हो गया दोनों ट्रायंगल के लिए, और थर्ड आपका एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट ठीक है, बाय आर एच एस, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉमन है, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। ठीक है, आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो वी कैन से दैट एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल पी ओ पी। ठीक है, और दूसरा हमें प्रूव करना था एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल पी पी ओ, बी पी ओ बाय सी पी सी टी। ठीक है, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, बाय सी पी सी टी। चलो ये हो गया। एक और सवाल देखो, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, टू टांजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। प्रूव दैट एंगल टी पी टी क्यू इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो क्या करना है आपको, देखो, ठीक है, टी पॉइंट है, टी एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टांजेंट आप ड्रॉ करोगे। तो ये एक टांजेंट हो गई टी पी, दूसरा टांजेंट हो गया टी क्यू। ओके, सेंटर आपका ओ है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, ओ को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ऐसे कर दो ओ को ज्वाइन। उसके बाद ये रेडियस को, ये तो परपेंडिकुलर होता है, ये हमें मालूम है, तो इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है कि आपका पी क्यू लाइन जो है, ठीक है, टी पी क्यू, अच्छा टी पी क्यू, तो पी और क्यू सबसे पहले आपका हम लोग लिख देते हैं नाम, नहीं तो फिर डाउट हो जाएगा आपको। ये पॉइंट टी है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ये आपकी सेंटर है ओ, और मान लो कि रेडियस जो है सर्कल की आर है। ओके,
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है हमें प्रूव करने की एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू मतलब ये कंप्लीट एंगल किसके बराबर बोल रहा है, टू टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू। तो ओ पी और क्यू को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, मान लो ये आपको ये ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये हमें बोल रहा है कि ये टू टाइम्स ऑफ दिस होगा, मतलब ये अगर आपकी टू थीटा है तो ये थीटा होगी, वही हमको प्रूव करना है, ठीक है, वही हमें प्रूव करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चलो कुछ थियोरम्स हम लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ओके अब देखो बात क्या है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टांजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों टांजेंट की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एज टांजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, ठीक है। अब यहां पर देखो टीपी और टी क्यू अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। सो वी कैन से दैट एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू और दूसरा टी क्यू पी हो जाएगा, टी क्यू पी। ओके ये दोनों आपके इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल है, एक एंगल अगर हमने टू थीटा लिया है, ठीक है, टू थीटा नहीं लेता हूं तो बेटर, अच्छा टू थीटा ही ले लेते हैं चलो, ठीक है। लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू थीटा, वो हमने ले लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो ये दोनों एंगल अगर हम लोग फाइंड कर लें तो वो मिल जाएगा हमें, क्योंकि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये दोनों हमें मालूम है कि ये दोनों इक्वल एंगल होगा। सो इन ट्रायंगल टी पी क्यू सम ऑफ एंगल्स आपके कितने होते हैं, 180 डिग्री हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल में। तो हम लोग लिख सकते हैं टू थीटा प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो टी पी क्यू और टी क्यू पी इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे टी पी क्यू को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, टी पी क्यू को टी पी क्यू रहने देते हैं और टी क्यू को भी टी क्यू पी को भी हमने लिख दिया टी पी क्यू, तो ये हो गया 180 डिग्री। ओके यहाँ पर रीजन लिख दो, सिंस एंगल टी क्यू पी इज सेम एज एंगल टी पी क्यू। अब यहाँ देखो आपके क्या हो जाएंगे, तो टू टाइम्स एंगल टी पी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस टू थीटा हो गया, तो यहां से आप डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो एंगल टी पी क्यू बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके ये मान लो आपको इक्वेशन 1। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल जो है कितना 90 डिग्री है, एंगल टी पी ओ की बात कर रहे हैं। नाउ एंगल टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि आपको रेडियस जो होता है टांजेंट से परपेंडिकुलर होता है। अब यहां पर लिख दो सिंस टी पी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टांजेंट, टांजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पता है। अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, एंगल ओ पी क्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ओ पी क्यू, ठीक है, मतलब कि ओ पी टी, चलो यहाँ लिख लेता हूँ एंगल ओ पी टी और टी पी ओ, टी पी ओ में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, टी पी ओ माइनस एंगल टी पी क्यू माइनस एंगल टी पी क्यू, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, चलो यहाँ पर हम लोग ये दूसरे पेज में चले जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, शायद नहीं दिख रही होगी, चलो मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ। चलो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ओ पी क्यू जो है एंगल ओ पी क्यू को एज ओ पी क्यू ही लिख दो आप, बराबर टी पी ओ माइनस टी पी क्यू, ठीक है, और टी पी ओ हमारा क्या है, टी पी ओ इज 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री आप लिखोगे, और टी पी क्यू जो है तो यहां से आप ले लोगे 90 माइनस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1,
ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन। चलो इधर भी तो वो लिखा हुआ है, देखो 90 माइनस थीटा, तो ये हम लोग 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, चलो इसे मैं हटा देता हूँ। ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो एंगल ओ पी क्यू बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ एंगल टू थीटा, और टू थीटा मतलब पी टी क्यू हो गया, पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू। और प्रूव क्या करना था आपको, तो पी टी क्यू इक्वल टू टू टाइम्स एंगल, तो इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर आप लिख सकते हो टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल पी टी क्यू। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गई, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए तो यहीं तक हम लोग आज रहने देते हैं, कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और सेम क्लास देखो आपको जूम पर भी आप कर सकते हो, वो भी कम्प्लीटली फ्री है, आप हमारे वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो, और या तो नहीं तो हमारा ऐप पर डाउनलोड कर लो, अगर आपको मोबाइल पर देखना अच्छा लगता है तो के एडू कैंपस करके आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और ये जो क्लास नोट्स जो होते हैं ये हम लोग अपलोड कर देते हैं आपको वेबसाइट पे भी और ऐप पर भी, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है चैप्टर हम लोग अपलोड कर देते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जा करके। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर अगली क्लास में करते हैं डिस्कस। ठीक है, कल 8:30 में हमारी अगली क्लास है। ओके देन, ओके बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए तो हम लोग सर्कल्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, और ये सर्कल्स चैप्टर का लास्ट लेक्चर है आज, और अगर आप लोगों ने प्रीवियस दो लेक्चर मिस कर दिया है तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं, और अगर आप हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं या ऐप पर देख रहे हैं तो कोर्स पेज में जाकर के देख सकते हैं। देखिए ये क्लास जो होती है रेगुलर होती है हमारी 8:30 में, तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें हमारे साथ, इवन अगर आप लाइव जूम पर आकर के क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कम्प्लीटली फ्री में, आपको रजिस्टर करना होगा हमारे वेबसाइट पर जाकर के, नहीं तो अगर आप मोबाइल पे देखना पसंद करते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो के एडू कैंपस, वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें छोटा सा ही सिलेबस है आपका, टांजेंट टू अ सर्कल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये तो आपको डिटेल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दो थ्योरम का प्रूफ था ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस किए, और आज हम लोग जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको हर एक साल पूछे जाते हैं तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है मोहित, आपको प्रीवियस लेक्चर तक कोई डाउट है अगर आपने देखा है पूरा तो। चलिए देखिए क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में, टांजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस ओ है दूसरे की ओ बी है, कंसेंट्रिक मतलब सर्कल मतलब कि सेंटर सेम है, एंड रेडियाई उनकी दी हुई है, ओ ए और ओ बी की वैल्यू दी हुई है आपको 8 और 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ए पी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए पी की लेंथ दी हुई है तो हमें फाइंड करनी है बी पी की लेंथ, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। एज पर दिस फिगर ओ ए जो कि रेडियाई ऑफ द लार्जर सर्कल है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा ओ बी दिया हुआ है रेडियाई रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन ए पी की वैल्यू दी हुई, और ए पी जो है एक टांजेंट है फ्रॉम द पॉइंट पी और उसी कांटेक्ट पॉइंट ए है टू द लार्जर सर्कल। ठीक है, ए पी की लेंथ आपको दी हुई है दैट इज 15 सेंटीमीटर की लेंथ है। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, बी पी की लेंथ फाइंड करनी है, बट यहाँ पर आप लोग ये मत सोचना कि लेंथ ऑफ टांजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, वो वाला थियोरम अप्लाई मत करना क्योंकि यहाँ सर्कल जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्कल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में पी ए इक्वल टू पी बी अप्लाई करके फटाफट पी बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लिख करके निकल जाओ, ये मत करना काम। तो हमें यहाँ पी बी की लेंथ फाइंड करनी है और बी पी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो बी पी की लेंथ मालूम नहीं है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, आप ओ पी ज्वाइन कर लो, उसके बाद ओ पी ज्वाइन करोगे तो
ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि टांजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ ए एंड ए पी। अभिषेक सिंह कैसे हो आप? दूसरा हमारा देखो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे अगेन सेम रीजन। तो वो चलो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। सो वी नो दैट एज टांजेंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो हमारी कॉन्टेक्ट पॉइंट ए और बी है, तो आपकी क्या हो जाएंगे पी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा पी बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ओ बी। ओके, तो उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर देंगे ओपी को, ज्वाइन ओपी। ठीक है, अब हमारा ट्रायंगल ओएपी की अगर बात करें, नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओएपी बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, पाइथागोरस थ्योरम हमारी ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगी, ओपी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ठीक है, ओ ए स्क्वायर, ओ ए आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और एपी आपकी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से आपको मिल जाएगा ओपी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर मीन्स 64 हो गया, 15 का स्क्वायर 225, तो 289 हो जाएगा। फिर भी हम लोग चलो ओपी स्क्वायर करके ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो लेंथ फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ बीपी की लेंथ फाइंड करनी है, ओपी की लेंथ नहीं फाइंड करनी है, तो हम लोग इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। ओपी स्क्वायर बराबर 289, ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अगर आपको ओपी का भी लेंथ फाइंड करना होता तो 17 आप लिख देते। अब हम लोग क्या दूसरा ट्रायंगल, ये वाली राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, और इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल OBP, OBP बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन OP स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, BP की ही लेंथ फाइंड करनी है। अब OP स्क्वायर डायरेक्टली हम लोग यूजिंग इक्वेशन 1 289 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन 1 नीचे लिख लो आप 289 ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो 5 का स्क्वायर लिख लोगे आप बराबर बी पी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया बी पी स्क्वायर, तो सॉरी प्लस बी पी स्क्वायर, प्लस बी पी स्क्वायर। अब यहां से आपको सॉल्व कर लेनी है, तो बी पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 289 मीन्स 289 माइनस 25, 289 माइनस 25, तो ये आपका हो जाएगा कितना होगा 200 4 और 8 माइनस 26, 264 हो गया राइट। 264 किसका स्क्वायर होता है, यस बीपी डायरेक्टली आपका कोई डेसिमल में आएगा राइट। ठीक है, 15, 16 का 2, ठीक है 16 का भी नहीं, 17 का 289, 256 कुछ गलती तो नहीं हुआ है, 256 नहीं आएगा यहाँ, 264 ही आ रहा है, तो 264 का स्क्वायर रूट जो भी वैल्यू होगी, तो बी पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 264 स्क्वायर, ठीक है इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, यही आपकी आंसर होगी। ठीक है मोहित, यस यस सर, चलो उसकी वैल्यू फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना 264, ठीक है नो सर, परफेक्ट नहीं है। तो आपका 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 16 आपका 256 होता है, और 16 और 17 के बीच में आएगा, तो इतना भी करके छोड़ दोगे या तो कॉमन फैक्टर लेकर कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट आपका क्या करना है, इन द गिवन फिगर टू सर सर्कल्स सिक्सटीन पॉइंट टू फोर एट है 16 पॉइंट,
248। चलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 16.25 कर देता हूँ, टू फाइव सेंटीमीटर ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट सी, यहाँ पर आपको देखो ये तो सी आर इज अ टांजेंट, प्रूव दैट द कॉमन टांजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी बाइसेक्ट्स द कॉमन टांजेंट एट पी क्यू। मतलब दो अलग अलग टांजेंट है, एक तो कॉमन पॉइंट पे है, दूसरा आपका कॉमन टांजेंट है बट पॉइंट्स डिफरेंट है ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, टांजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ ठीक है। तो वो वाली थ्योरम आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। सो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे एज लेंथ ऑफ टांजेंट्स, लेंथ ऑफ टांजेंट्स टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल ठीक है। तो उसी को अगर हम लोग यूज करें तो सब आप पॉइंट आर कंसिडर करो, अगर पॉइंट आर हम लोग कंसिडर करते हैं वहां से दो टांजेंट हो रहा है, एक पी आर है दूसरा देखो सी आर है, सेम सर्कल पर दोनों टांजेंट है, तो पी आर इक्वल टू सी आर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम दिस। तो एक तो आप लिख लो पी आर इक्वल टू सी आर, ये मान लो इक्वेशन नंबर वन है। दूसरा हम लोग इस सर्कल के लिए अगर देखें, सेकेंड वाले सर्कल के लिए, तो सेम अगेन आर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट और वहां से आर क्यू और आर सी जो है दूसरे सर्कल पे भी दो टांजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर, तो इन दोनों की भी लेंथ इक्वल होगी यूजिंग द सेम थ्योरम। और ये हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर, पी आर के प्लेस पर क्यू आर कर लो और इधर आपका हो जाएगा सी आर ही रह जाएगा, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम वन एंड टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट साइड देखो दोनों की इक्वल है, सो फ्रॉम वन एंड टू राइट साइड इक्वल है तो हमारा लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, सो पी आर शुड बी इक्वल टू क्यू आर। अब पी आर और क्यू आर इक्वल है इसका मतलब क्या, आर शुड बी द मिड पॉइंट, ओके इट मीन्स दैट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू और पी क्यू, हेंस टांजेंट एट सी बाइसेक्ट्स द कॉमन टांजेंट एट पी एंड क्यू, हेंस टांजेंट टू द सर्कल्स एट सी, सर्कल्स एट सी बाइसेक्ट्स द कॉमन टांजेंट एट पी एंड क्यू, द कॉमन टांजेंट एट पी एंड क्यू। मोहित आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो गया कंप्लीट? कितने नो सर, 30 से है सर, कितने 30 30 से है। चलो देखो अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, इन सर्कल भी बोल सकते हो। इफ पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी क्यू आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यू आर आपका 8 सेंटीमीटर है, पी आर की लेंथ जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पी क्यू जो है आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ क्यू एम आर एन और पी एल, तो क्यू एम बोल रहा है जो भी बोल रहा है, हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं, लेट से एक्स यूनिट है और एक्स सेंटीमीटर है क्यू एम, दूसरा बोल रहा है आर एन तो आर एन हम लोग ले लेंगे वाई सेंटीमीटर है मान लो, और तीसरा आपका पी एल बोल रहा है तो वो ले लेंगे हम लोग जेड। तो ये तीनों कंसिडर करेंगे, उसके बाद एक थ्योरम हमें पता है कि टांजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल ठीक है, लेंथ ऑफ टांजेंट इक्वल होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम दिस क्यू एल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एल, पी एन ये भी आपकी जेड के बराबर हो जाएगी क्योंकि पी एल आपका जेड है तो पी एन भी आपका जेड ही होगा।
सिमिलरली आर एन अगर आपका वाई है तो आर एम भी वाई होगा, ठीक है? तो हम लोग वो यूज करेंगे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एस लेंथ ऑफ टांजेंट्स, लेंथ ऑफ टांजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल, टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ये सारे इक्वल होते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं लेट, ओके लेट क्यू एम इक्वल टू क्यू एल बराबर एक्स सेंटीमीटर। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे आर एन बराबर आर एम, ये भी हमारा वाई हो जाएगा, वाई सेंटीमीटर। और तीसरा हमारा हो गया पी एल बराबर पी एन इक्वल टू जेड सेंटीमीटर। अब यहां पर अगर हम लोग तीनों को ऐड कर दें, ठीक है, आपका क्या दिया हुआ है, पी पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है, तो हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है? नाउ यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, अगर ये हम लोग ऐड करते हैं तीनों तो आपकी लेंथ हो जाएगी 10 + 8 + 12, ये आपका गिवन है। अब पी क्यू प्लस क्यू आर अगर हम लोग फिगर में देखें तो पी क्यू मतलब एक्स प्लस जेड हो गया, ठीक है? तो आप यहां लिख सकते हो एक्स प्लस जेड, क्यू आर आपका क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई, सो प्लस एक्स प्लस वाई, और पी आर आपका देखोगे फिगर तो वाई प्लस जेड हो जाएगा, वाई प्लस जेड, और इन तीनों को ऐड करोगे तो 12 8 20 + 10 30 हो गया, तो ये 30 के बराबर हो गए। अब लेफ्ट साइड देखोगे तो 2 times x + y + z आएगा आपका, ठीक है? ऐड करोगे तो दो बार देखो एक्स है, दो बार वाई है, दो बार जेड है, तो ये हो जाएगा 2 times x + y + z = 30। अब दोनों साइड दो से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x + y + z = 15, ठीक है? ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया। उसके बाद सिमिलरली हम लोग और भी इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि साइड की लेंथ मालूम है हमें, तो पी क्यू कितनी लेंथ की है, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से आप क्या करोगे, पी क्यू मतलब कि x + z = 10 सेंटीमीटर, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई। सिमिलरली आपका क्यू आर जो दिया हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर हमारा हो जाएगा x + y = 8, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। और तीस चौथा इक्वेशन लिखेंगे ऑल्सो आपका क्या है, फोर्थ वन इज पी आर, तो पी आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और पी आर का मतलब हो गया आपका पी आर जेड प्लस वाई या वाई प्लस जेड लिख लो, ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 12। अब ये चार इक्वेशन आ गए हैं आपके पास, ठीक है, आसानी से सॉल्व। मैं अगले पेज में ले लेता हूँ यहाँ से, चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर मान लो कि आप इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, आप लिख लेना डिटेल में, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। आप क्या करोगे, लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब मैं 1 - 4 डायरेक्ट लिखता हूँ, आपका ही समय बचा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, x + y + z लेफ्ट साइड आपका है, तो x + y + z उसमें माइनस करोगे LHS फोर्थ इक्वेशन का, मतलब वाई प्लस जेड आप करोगे, तो ये हो जाएगा 15 - 12, और यहाँ से आपको देखो वाई प्लस जेड कैंसिल होगा, मिल जाएगा डायरेक्ट एक्स, एक्स की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ यहीं पर। दूसरा सिमिलरली अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें x + z मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो 1 - 2 करोगे तो यहाँ से मिल जाएगी आपको x + y + z, उसमें सब्ट्रैक्ट कर लो आप इक्वेशन 2 मतलब कि उसके LHS को x + z, तो ये हो जाएगा 15 - 10,
ठीक है, तो यहाँ से x और z कैंसिल होगा, बचेगा y, आप सब्ट्रैक्ट करके देखना ब्रैकेट ओपन करके, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब तीसरा क्या करोगे, तो x प्लस वाई को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन थर्ड को, तो 1 माइनस इक्वेशन थर्ड करोगे तो आपकी हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड, और सब्ट्रैक्ट करनी है आपको वहां से क्या, x प्लस वाई को इक्वेशन नंबर थर्ड के LHS को, और ये आपकी हो जाएगी 15 माइनस 8, तो यहाँ से मिल जाएगी आपको z बराबर x, सॉरी 15 माइनस 8 तो 7 हो गई। ठीक है, अब यही तो आंसर था आपका। तो यहाँ पर बट लेंथ आपका कौन कौन सा फाइंड करना था, क्यू एम आर एन और पी एल। क्यू एम मतलब एक्स, देयर फोर क्यू एम बराबर एक्स, उसके बाद था आर एन वाई है, आर एन और पी एल, आर एन और पी एल ये वाई है, पी एल आपकी जेड है, तो जो भी वैल्यू आई हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। क्यू एम मतलब एक्स मतलब कि 3 सेंटीमीटर, वाई आपकी है 5 सेंटीमीटर और जेड आपकी है 7 सेंटीमीटर, तो यही आंसर हो गया बस। ठीक है मोहित, समझ में आ गया। इस टाइप के प्रॉब्लम भी रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, अलग अलग थोड़ा कर देगा, कभी कुछ दे देगा कभी कुछ दे देगा, बट इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर XP एंड XQ आर टू टांजेंट्स, आप फिगर देख पा रहे होंगे, टू टांजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर पॉइंट आपकी O है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर एक्सटर्नल पॉइंट X। ठीक है, X से आपका दो टांजेंट्स ड्रॉ किया जा रहा है, एक XP हो गया दूसरा हमारा XQ हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए आर बी इज अनदर टांजेंट, ए आर बी ये देखो आपका इधर टांजेंट है एक और, टचिंग द सर्कल एट पॉइंट आर, तो हमें प्रूव करनी कि एक्स ए प्लस ए आर जो है वो बराबर होगी एक्स बी प्लस बी आर। तो यहाँ भी हम लोग जो सेकेंड थ्योरम हमने पढ़ा है जिसका प्रूफ हमने डिस्कस किया कि लेंथ ऑफ टांजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, वही वाला थ्योरम आपको अप्लाई करना है। ओके तो आप लिखोगे एज लेंथ ऑफ टांजेंट्स टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल और एक्सटीरियर जो लिखो एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है आर इक्वल, तो यही थियोरम को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। आप पहले एक्सटर्नल पॉइंट एक्स को कंसीडर करो, अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट एक्स को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे दो टांजेंट हो जाएंगे एक्स पी और एक्स क्यू। ओके तो पहला हमें मिल जाएगा एक्स पी बराबर एक्स क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट ए को कंसिडर करो, जब एक्सटर्नल पॉइंट ए कंसिडर करेंगे तो आपकी टांजेंट लेंथ हो जाएगी ए पी और ए आर, ठीक है, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं ए पी बराबर ए आर, सेम थ्योरम को यूज करके ए पी बराबर ए आर, ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई, सॉरी पहला वाला को मैंने टू लिख दिया, ये वन है, ठीक है वन और टू हो गया। थर्ड हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट बी को कंसिडर करेंगे, तो लेंथ ऑफ टांजेंट हो जाएगी बी क्यू और बी आर, तो ये दोनों भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, सो बी क्यू बराबर बी आर, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमें प्रूव क्या करने बोल रहा है, एक्स ए प्लस ए आर बराबर एक्स बी प्लस बी आर, तो हम लोग यूज करेंगे जो आपका दिया हुआ है एक्स पी, ठीक है एक्स पी और क्या दिया हुआ है आपका एक्स क्यू, ये दोनों बराबर है, हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर वन में लिख के रखा है। नाउ एक्स पी और एक्स क्यू जो है हमारे इक्वल है। अब एक्स पी को अगर आप देखोगे तो हम एक्स पी एक्स ए प्लस ए पी लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस ए पी, तो हम लोग वही काम करेंगे, इसको लिख लेंगे एक्स ए प्लस ए पी। दूसरा एक्स क्यू को हम लोग लिख सकते हैं एक्स बी प्लस बी क्यू, फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे एक्स बी प्लस बी क्यू, ठीक है एक्स बी प्लस बी क्यू अगर लिख लिया। अब देखो यहाँ कुछ हमारा आ गया है लेफ्ट
राइट देख रहे हो। उसके बाद क्या है, ए आर और बी आर, अगर हमारा इक्वेशन टू को यूज करके रिप्लेस कर दें एपी को ए आर से, देखो एपी आपका ए आर के बराबर है और बी क्यू आपका बी आर के बराबर है, तो ये दोनों हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इन प्लेस ऑफ एपी और बी क्यू, तो ये हमारा हो गया एक्स ए प्लस ए आर बराबर एक्स बी प्लस बी आर। ठीक है, यहाँ पर साइड में लिख दो यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री। ठीक है, यही प्रूव करना था मोहित, कोई डाउट है आपको? चलो जी नेक्स्ट सुनिए, क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कम स्क्राइब अ सर्कल, मतलब कि सर्कल उसके अंदर में लाई कर रही है और चारों आपका एज अ टांजेंट हो गया। ठीक है, ए बी चारों साइड्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर टांजेंट फॉर दैट सर्कल एज शोन इन द फिगर। प्रूव करने हैं आपको ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी मतलब दोनों अपोजिट साइड हैं, इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, मैंने यहाँ गलती से आपका इक्वल टू लिख दिया है, ये आपका प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, दिस इज प्लस प्लस बी सी। ओके, अब यहाँ पर देखो हमें प्रूव करना है, तो ए बी प्लस सी डी अगेन यहाँ पर सेम थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, देख रहे हो, मतलब यही दो थ्योरम क्योंकि आपको पढ़ने ही है तो उसी पर सारे प्रॉब्लम्स रिपीट होते हैं। तो अब हम लोग सेम थ्योरम टांजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, वही वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूजिंग दैट थ्योरम वी कैन राइट एज लेंथ ऑफ टांजेंट्स, लेंथ ऑफ टांजेंट्स लेंथ ऑफ टांजेंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। चलो अब इसे अगर हम लोग देखें तो आप चार पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ले सकते हो, ए बी सी और डी। अगर ए पॉइंट ए को एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं तो आपके लेंथ ऑफ टांजेंट ए एस और ए पी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए पी बराबर, ए पी बराबर ए एस, लिटरली ये आपकी इक्वेशन नंबर वन हो गई। अब हम लोग कंसिडर करते हैं पॉइंट बी एज एक्सटर्नल पॉइंट, तो लिख सकते हैं सेम यूजिंग द सेम थ्योरम बी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, बीपी बराबर बी क्यू और यूज करके लिख सकते हैं, सो बीपी इक्वल टू बी क्यू। नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे सी पॉइंट को, और सी पॉइंट को जब कंसिडर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं सी क्यू इक्वल टू सी आर, ये आपकी थर्ड हो गई। अब डी पॉइंट को जब कंसिडर करेंगे तो ये दोनों लेंथ आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, ये चार इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब आप या तो एल एच एस ले लो या तो आर एच एस ले लो, ठीक है, कोई एक आपको लेनी है और वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो एल एच एस आप लेते हो, अगर एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी अगर आप फिगर ध्यान से देखोगे तो ए बी मतलब कि ए पी प्लस बी पी हो गया। ठीक है, ए पी प्लस बी पी, ये हमने ए बी को लिखा। अब दूसरा क्या है, सी डी, तो सी डी को अगर आप देखोगे तो सी आर प्लस डी आर, ठीक है, सी आर प्लस डी आर हो गया, तो वही हम लोग यूज करेंगे सी आर प्लस डी आर। अब आपको देखो चाहिए आंसर ए डी और बी सी के टर्म में, ठीक है, ए डी और बी सी के टर्म में चाहिए, तो आप क्या करोगे, ए डी और बी सी जब देखोगे तो उसका पार्ट तो ये चारों है, मतलब हर एक टर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा यूजिंग इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, अब ए पी जो है, अगर आप ब्रैकेट भी ओपन कर देते हो, ए पी हमारा ए एस के बराबर है तो उसे ए एस लिख लो क्योंकि ए एस आपका ए डी का पार्ट है। बी पी जो है, बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, प्लस सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, तो यहां भी हम लोग लिख लेंगे सी क्यू यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री।
चौथा आपका है डी आर बराबर डी एस, ठीक है, तो डी आर को रिप्लेस कर देंगे डी एस से। अब यहाँ पर आपको उन दो को ग्रुप करना है जो मिलकर के एक सेम साइड बना ले, तो ए एस और डी एस को एक साथ ग्रुप करना है और बी क्यू और सी क्यू को एक साथ ग्रुप करना है, ठीक है। उसके बाद आप ऐड करोगे, तो यहाँ पर ए एस के साथ डी एस को, ए एस प्लस डी एस, उसके बाद बी क्यू और सी क्यू को एक साथ बी क्यू प्लस सी क्यू। अब आप फिगर देखोगे तो ए एस प्लस डी एस जो है आपकी ए डी हो गई, बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगी बी सी। अब ये क्या आर एच एस के बराबर आ गया, ठीक है, देयरफॉर आपका प्रूव हो गया ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है मोहित, कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है, ओके okay. चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है आपका। अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का आपको रेडियस दिया हुआ है, मतलब अगर देख पा रहे हो कोई रेडियस कौन सा होगा हमारा, ये ओडी जो है ये रेडियस ही है, ठीक है, तो ये आपको 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी, ओके, सच दैट इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो बी डी आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और डी सी जो दिया हुआ है दैट इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी, मतलब कि आपको ये लेंथ फाइंड करनी है और ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूजिंग दैट थ्योरम आपका जो होता है लेंथ ऑफ टांजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये आपकी बी एफ जो होगी ये तो 6 सेंटीमीटर हमारी हो जाएगी, बी एफ आपकी 6 सेंटीमीटर हो गई। दूसरा आपको सीई भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा यूजिंग द सेम थ्योरम, ठीक है, सीई। अब हमें ए एफ और ए ई मालूम नहीं है, ठीक है, अगर वो मालूम हो तब तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ए बी आप वहां से फाइंड कर सकते हो और ए सी वहीं से फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एफ को एज्यूम कर लो, लेट्स से इट इज एक्स सेंटीमीटर, तो आपका अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ये भी आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, चलो तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो यूजिंग दैट थ्योरम वी कैन राइट, दूसरा हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आप करो, ये रेडियस ज्वाइन कर लो, ये सारे रेडियस तो सेम सर्कल के हैं तो इक्वल ही होंगे, तो ज्वाइन ओ एफ एंड ओ ई, तो ये सभी आपका आर आर आर, तो आर अगर आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ठीक है, एक तो हमें ये ज्वाइन करना है। चलो तो अब हम लोग कुछ करते हैं, यहाँ पर आपका सबसे पहले गिवेन आप लिख लो, और उसके बाद गिवेन क्या है, ओडी इक्वल टू रेडियस बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा हमारा बी डी दिया हुआ है दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड सी डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ओके। सो दूसरा काम हम लोग करेंगे यूजिंग दैट थ्योरम एज लेंथ्स ऑफ टांजेंट्स, लेंथ्स ऑफ टांजेंट्स फ्रॉम टांजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो वी कैन राइट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं बताओ आप। पहला तो आपका बी एफ जो है, ठीक है, बी एफ इज इक्वल टू बी डी, ये बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। दूसरा हमारा सी ई बराबर सी डी, सी ई और सी डी भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपके, और ये कितना लेंथ हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी ई
बराबर सी डी, ये 8 हो गया क्योंकि हमारा एक्सटर्नल पॉइंट सी है और ये दोनों आपका इक्वल होगा उस केस में। तीसरा हमने एज्यूम किया है कि ए एफ और ए जो है वो इक्वल है कंसिडरिंग एक्सटर्नल पॉइंट ए, तो ए एफ इक्वल टू ए ई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये आपको एज्यूम करना है, तो यहाँ पर लिख दो से। ओके अब यहाँ पर देखो हम एक और काम करेंगे, जो हमने रेडियाई तो ज्वाइन कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या काम करने वाले हैं हम लोग, तो तीन आप रेडियाई पहले ज्वाइन कर लो ओ एफ ओ ई, उसके बाद आपको ये लाइन भी ज्वाइन करनी है, ठीक है, सो वर्टिसेस सेंटर से लेकर के वर्टेक्स, तीनों वर्टिसेस को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखा दो, कंस्ट्रक्शन है तो ये आपका डॉटेड लाइन हो गया, ये डॉटेड लाइन हो गया और ये डॉटेड लाइन हो गया। ओके अब काम क्या करेंगे हम लोग, पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ ड्रॉ नहीं ज्वाइन, एक्चुअली बोलो ज्वाइन हम लोग कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी, उसके बाद ओ ई एंड ओ एफ। ओके उसके बाद हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं, चलो अब यहां पर क्या करेंगे, ओ ई इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू रेडियस के बराबर होगा और दैट इज इक्वल टू ओ डी, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये तो हमें मालूम है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला, ठीक है, क्यों करते हैं वो हम लोग आगे समझेंगे, तो सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। अब एरिया फाइंड करते हैं इनके के लिए यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपकी क्या हो जाएगी, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं नॉर्मली, स्मॉल एस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाती है, तीनों साइड का लेंथ को ऐड करके डिवाइड बाय टू करेंगे, मतलब पेरीमीटर बाय टू, ठीक है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी हमारा क्या है एक्स प्लस सिक्स, बी सी हमारा क्या है सिक्स प्लस एट, और सी ए हमारा 8 + x है, डिवाइडेड बाय टू करोगे तो आप कैलकुलेट करोगे तो 2 × x + 6 + 8 आएगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको x + 14, इतना सेंटीमीटर हो गया, ये आपकी सेमी पेरीमीटर हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है आपका एस इंटू, चलो मैं दूसरे पेज में ले लेता हूँ इसे, नहीं तो यहाँ पर आपका मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, चलो तो ये तो सारे कुछ हो गए हैं, मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए, चलो सेमी पेरीमीटर अभी रहने देता हूँ क्योंकि उसे हमें यूज करना है। ओके और ये वाली स्पेस क्वेश्चन को भी रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले काम करना है आपको एरिया कैलकुलेट करेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, उसकी एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होता है, फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी और एस माइनस सी, ए बी सी जो है साइड लेंथ है तो कोई भी साइड आप ले सकते हो क्योंकि तीनों एक एक करके तो आ ही रहा है और डिफरेंस एस के साथ ही है तो सेम ही आएगा, तो आपको अगर एस की वैल्यू पता है x + 14, तो सबसे पहले x + 14 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम क्या करोगे, एस माइनस ए करोगे, और एस माइनस ए मतलब चलो हम लोग ए बी को एक ले लेते हैं, तो x + 6, तो x + 14 में सब्ट्रैक्ट करोगे x + 6 माइनस x + 6, ठीक है, ये मैं दूसरा ब्रैकेट ऐसे कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो, टाइम्स एक्स माइनस एस माइनस बी करना है और एस आपकी क्या है x + 14 ही रहेगी, माइनस करोगे तो x + 6 तो आपका ए बी हो गया, दूसरा बी सी लेते हैं तो 8 + 6 होगा दैट इज 14, अगेन मैं डायरेक्ट 14 लिख दूं, ठीक है, थर्ड साइड के लिए हम लोग एस माइनस सी करेंगे, तो एस आपकी है x + 14, तो ये लिख लेता हूँ x + 14
और थर्ड साइड की लेंथ हो जाएगी ये वाली, देखो एक्स प्लस एट, तो एक्स प्लस एट हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस एट, ठीक है। चलो अब यहां तक तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल गया, सॉरी सेमी पेरीमीटर के बाद हमने एरिया भी कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे देखो तो इधर आपका एक्स एक्स कैंसिल होगा, ठीक है, इधर भी आपका 14 14 देखो कैंसिल हो रहा है, एक्स इज अफेक्टेड, और थर्ड वाले में क्या एक्स एक्स अगेन कैंसिल होगा। चलो तो हम लोग लिख लेते हैं, पहला तो फैक्टर आपका एक्स प्लस 14 हो गया, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 14 माइनस 6 मतलब 8 रहेगा आपका, थर्ड फैक्टर इज एक्स, और फोर्थ फैक्टर जो हमारा आएगा तो 14 माइनस 8 करोगे तो ये 6 हो गया। अब ये आपकी क्या हो गई, तो एरिया हो गई, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 8 टाइम्स 6 48 हो गया, टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स प्लस 4, ये रहने तो हम लोग ऐसे ही, ठीक है। ये आपका लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर्मूले से तो आपको ये एरिया आ गया, दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा फॉर्मूला आप जो बेसिक जानते हो हर एक ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो आप इस ट्रायंगल का यूजिंग दैट फॉर्मूला फाइंड कर लो, मीन्स ट्रायंगल बी ओ सी की बात कर रहा हूँ, सिमिलरली ट्रायंगल सी ओ ए की एरिया फाइंड कर लो और ए ओ बी की एरिया फाइंड कर लो, तो तीनों का एरिया फाइंड करने के बाद आप ऐड कर दो, ठीक है। सो नाउ ऑल्सो ऑल्सो करके कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका हो जाएगा, ओ ए बी, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी प्लस ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, और थर्ड आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए, ठीक है। और ये तो हम जानते हैं बेसिक, तो यहां से आप करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, अब ओ ए बी की बात कर लेते हैं, तो ये देखो आपकी परपेंडिकुलर होती है यहाँ पर, तो आप जानते हैं टांजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आपके लिए एल्टीट्यूड हो गई, तो ओ एफ आपका कितना है, ओ एफ रेडियस के बराबर है जो कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो हाफ टाइम्स बेस उसके लिए हो गया एक्स प्लस 6, ए बी आपकी हो गई, तो एक्स प्लस 6 कर दो, हाफ इंटू एक्स प्लस 6 टाइम्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आपकी 4 है, प्लस दूसरा बी ओ सी का जब ट्रायंगल बी ओ सी कंसिडर करेंगे तो बेस हो जाएगी बी सी, और बी सी 6 प्लस 8 14 हो जाएगी, तो हाफ इंटू 6 प्लस 8 कर लेता हूँ, टाइम्स उसके लिए भी एल्टीट्यूड तो सेम रहेगा ओ डी रेडियस के बराबर, तो ये भी 4 हो गया, प्लस अब सी ओ ए के लिए अप्लाई करेंगे तो हाफ टाइम्स 8 प्लस x, ए सी की लेंथ आपकी 8 प्लस x है और एल्टीट्यूड ओ ई के बराबर, तो ओ ई हमारा रेडियस है और जो कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, ये सॉरी प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होगा, अब देखो ये 2 टाइम्स 2 हो गया, 2 टाइम्स 2 और इधर भी 2 टाइम्स 2, तो हम लोग 2 कॉमन लेंगे अगर, तो यहां से मिलेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 2 कॉमन ले लो और उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दो, तो एक्स प्लस 6 पहले से मिल गया, प्लस 6 प्लस 8 तो ये 14 हो गई, और थर्ड 8 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 2 टाइम्स, अब एक्स प्लस एक्स ये करते हो तो दैट इज 2x, ठीक है, तो ये 2x हो गया अंदर, प्लस 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 हो जाएगा, 28, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, सॉरी बी ले लेता हूं, देखो एक फॉर्मूला से जब हमने हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड किया तो ये मिला, दूसरा हमने जब ये किया बेसिक 3 ट्रायंगल का ऐड करके हमने एरिया कैलकुलेट किया तो ये मिला, बट दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ही है तो दोनों तो इक्वल होंगे, ठीक है, सो फ्रॉम ए एंड बी हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो
थोड़ा लेंदी हो गया बट यस व्हाट डाउट यू हैव आशीष यादव बोल सकते हो आप। चलो यहां पर क्या करेंगे उसके बाद हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। चलो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं ये। हाँ डाउट पूछो आप। देखो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया है तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 48 टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स प्लस 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 2x+28 के बराबर। ठीक है अब बाकी का तो हमें काम है नहीं, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। यार आप डाउट पूछ नहीं रहे हो, सिर्फ डाउट डाउट बोल रहे हो। चलो उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सो 48x टाइम्स x+4 हो गया। राइट साइड अगर स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2x+28, ठीक है 28 का स्क्वायर। अभी अच्छा चलो यहां भी हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 कॉमन ले लो, तो 4 टाइम्स x+14 करते हैं। ठीक है तो 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 16 हो जाएगा। सर आपका इक्वेशन फोर कैसे इक्वल हुआ, इक्वेशन 4 कौन सा इक्वेशन 4 आप बोल रहे हो, इक्वेशन 4 विच इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 कैसे इक्वल हुआ। नहीं देखो ये देखो आप देख रहे हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ये भी, और दूसरा हमारा जो है ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, तो दोनों अगर सेम आपका ट्रायंगल का एरिया है तो दोनों एरिया इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इसीलिए इक्वल किया उसे। ठीक है अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और x+14 का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन को, तो 16 टाइम्स 3 48 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x2, ठीक है प्लस 3 टाइम्स 4 12x, और राइट साइड आपके हो जाएगा x2+196 14 का स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो a2+b2+2ab तो 28x। ठीक है अब यहाँ देखो x2 और 3x2 तो 2x2 हो गया 12x, और इधर 28x है तो -16x लिख सकता हूँ, और 196 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो -196 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू अच्छा 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो थोड़ा इक्वेशन हमारा सिंपल हो जाएगा -8x-98। ठीक है अब यहाँ आपको सॉल्व करनी या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके यूज कर लो और नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है तो अगर 98 का फैक्टर्स देखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका 2 एंड 49 तो 7 7, ठीक है 14 और 7 नहीं आ रहा है, b2-4ac। ठीक है तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। ठीक है चलो एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ x+14, ओके तो x ओहो ये देखो यहाँ मिस्टेक है, x+14 को x+4 लिख के रखा हूँ। ठीक है तो x+14 होगा ना वो, ओके ये देखो मिस्टेक है तो x+14 तो इस वाले इक्वेशन में x+14 हो जाएगा हमारा, ओके तो x+14 एक तो मिस्टेक ये हो गई, और भी कोई अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 14 टाइम्स 3, ठीक है तो कितना होता है 42, ओके अब 42x और 28x। चलो कुछ तो इक्वेशन अलग आएगा तो हम लोग यहाँ पर सिंपलीफाई करते हैं, कंसिडरिंग की वही हमारा सिर्फ मिस्टेक था, 2x2 28+14 आपका हो जाता है 28+14 इज 42, तो ये +14x हो जाएगा -196 बराबर 0। 2 से आप थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो x2+7x-98 बराबर 0, और 98 का 7 7 2 है फैक्टर, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है उसे भी आप यूज कर सकते हो। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x2+14x
-7x -98 बराबर 0। अब यहाँ क्या करोगे, x टाइम्स x प्लस 14 आ जाएगा, -7 लोगे कॉमन तो अगेन x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी तो आपको सिर्फ पॉजिटिव को लेना है क्योंकि x हमारी लेंथ है, ठीक है, x कैन नॉट बी -14। तो अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब आइदर ऑफ दिस शुड बी जीरो, तो या तो x -7 जीरो होगा और x प्लस 14 जीरो होगा, ठीक है। अब x -7 जीरो होगा तो x तो बराबर हो गया 7, और x प्लस 14 जीरो होगा तो -14 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, एज एक्स कैन नॉट बी निगेटिव क्योंकि वो लेंथ है, कैन नॉट बी निगेटिव, देयर फोर एक्स बराबर 7, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में देखोगे तो ए बी एंड ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी एंड ए सी। चलो तो अब हम लोग इधर आ जाते हैं, देयर फोर ए बी हमारा हो गया, ए बी मतलब एक्स प्लस 6, तो 7 प्लस 6 करोगे, 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और ए सी की लेंथ आपकी हो जाएगी, ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 8 कर दोगे तो 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट होता है, ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं और अगला चैप्टर फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास हमारी कल ही होगी, डेली हमारी क्लास 8:30 में स्टार्ट हो जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ओके, चलिए, आपको बहुत फायदा होगा, रेगुलर रहना है बट। ओके देन, ओके बाय।